इस वीडियो में मैं आपको एल्डिको एक्लेड के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपको मौका मिले लेने का तो आप सोना रोड फेसिंग वाले यूनिट्स लेंगे या अरावली फेसिंग वाले यूनिट्स। बट अगर आप 4 महीने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं एज पर योर कमिटेड टाइम, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जल्दी करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फीडबैक भी मैं लेना चाहूंगा कस्टमर से जो यहाँ पे होम बायर्स रह रहे हैं, एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स जो रह रहे हैं यहाँ पे। कोई रेसिडेंट शिकायत करते हैं कि सीपेज का इशू है, आज के डेट में क्या सिनेरियो, कितनी ऑक्यूपेंसी है इस प्रोजेक्ट में। ये जो 500 एकड़ का डेवलपमेंट आप बता रहे हैं ये बैटरी वाली कंपनी की, वो यहाँ से क्या डिस्टेंस है, फेज 1 से फेज 2 कैसे इम्प्रोवाइज किया है आप, बट हमारे बिल्डिंग के आसपास कोई हाई राइज बिल्डिंग है क्या, और यहाँ से आपको गुड़गांव पहुंचने में कितना टाइम लगता है, आप क्या फेस करते हैं, कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं या सब कुछ ठीक है। आई वॉन्टेड योर फीडबैक कि रहने में कैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है बिल्डर का। हाय, इस वीडियो में मैं आपको एल्डिको एक्लेड के बारे में बताने वाला हूँ। इस समय मैं सोना रोड पे हूँ, ये सोना सेक्टर 2 पड़ता है। यहाँ से अगर मैं आपको सोना रोड की तरफ फेस करूँगा तो एग्जैक्टली ये मेन सोना रोड पे पड़ता है जो एलिवेटेड रास्ता बना है, और यहाँ पे बिल्कुल पास में ही जो DMIC का प्रोजेक्ट है जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप जा सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ से पास है। और कैमरे को टर्न करके थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद अंदर जाएंगे। ठीक पिछले साल मैंने इसी प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था अगस्त 2022 में, और आपको बताया था कि जितने भी टावर्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका क्या स्टेटस था। कुछ टावर्स जो थे वो 7th फ्लोर में थे, कुछ टावर्स थे जो 9th फ्लोर में थे, कुछ टावर्स ऐसे थे जो 19th फ्लोर में थे। आज चलकर जानेंगे, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि कंस्ट्रक्शन इनका काफ़ी फास्ट चलता है और कंस्ट्रक्शन ये जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो ये बिल्कुल टाइम से देते हैं, तो आज सब कुछ चलकर जानेंगे एक साल के बाद कि किस स्टेज में पहुंचा है उनका कंस्ट्रक्शन उन टावर्स का। और जो भी अलग अलग टावर्स हैं, जैसे एल्डिको एक्लेम टावर्स जो हैं, जो 3 टावर वहाँ पड़ते हैं उनके बारे में जानेंगे उनका क्या स्टेज है, जो एल्डिको प्रेस्टीज 2 टावर्स हैं उनके बारे में जानेंगे उनके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स क्या हैं, और अंदर चल के यहाँ के रेसिडेंट से भी उनका फीडबैक लेंगे कि प्रोजेक्ट कैसा है एक साल पहले और अब। यहाँ के खैर रेसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, बट अब चलकर रेसिडेंट से भी जानेंगे कि उनके जो कंसर्न्स हैं क्या कोई कंसर्न्स है भी यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के रेसिडेंट से भी मिलकर उनसे भी डिटेल में डिस्कस करूँ और उनका भी फीडबैक कैप्चर करूँ। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अंदर जाने से पहले थोड़ा सा आपको एरिया दिखा देता हूँ। देखिए सामने अगर आप देखेंगे जहाँ पे लिखा है थैंक यू आगे, तो वहीं सामने आपको सोना रोड मिलता है। वहीं से अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं तो आप DMIC या यहीं से आगे जाएंगे तो आप गुड़गांव चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो KMP एक्सप्रेसवे आ जाता है। ये एग्ज़िट बे है, यहाँ से आप एग्ज़िट बाहर निकलते हैं प्रोजेक्ट से और इस तरफ से आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं। यहाँ सामने प्रोजेक्ट के दोनों ही तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 स्कूल्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रोजेक्ट का मेन एंट्री गेट है, कुछ यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। यहाँ पे बस बे है जहाँ पे ड्रॉप ऑफ जोन है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और ये जो है ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं। ये सेल्स गैलरी है इनका। आशीष जी हाय। हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन टू एल्डिको एक्लेड। थैंक यू। एक साल पहले इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था मैंने और आपने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे आशीष जी कि कंस्ट्रक्शन स्टेज यहां से इस लेवल पे पहुंच जाएगा, और आपकी डिलीवरी डेट जहां तक मुझे याद है आपने दिसंबर 2024 बताया था एज पर रेरा, राइट? आज चल के हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, एक एक टावर। पिछले बार आपने एक ओवरव्यू दे दिया था टावर्स का कि क्या चल रहा है, बट इस बार एक एक टावर का मुझे कंस्ट्रक्शन जानना है कि क्या स्टेज चल रहा है। तो बिल्कुल उसी पे आते हैं। जैसे हमने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे ख्याल से हमने उनसे ज्यादा डिलीवर किया है जी। बातें कम करते हैं, आपको उस पर दिखाते हैं कि हमने क्या क्या काम कर दिया है पिछली बार से, आज की डेट में क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं। ओके, तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट था ये 2 फेज में था। पहला फेज हमारा डिलीवर था, सेकेंड फेज हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका पोजीशन टाइम हम दिसंबर 2024 बोल रहे थे पिछले साल, करेक्ट। लेकिन हमने इतनी एडवांसमेंट कर दी है कंस्ट्रक्शन की कि अब
एज ऑफ नाउ हम जो पोजेशन डेट बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अगस्त 2024, यानी 4 महीने पहले ही हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे एज पर द कमिटेड टाइम। बट अगर आप 4 महीने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं एज पर योर कमिटेड टाइम, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जल्दी करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रखर जी, क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन करी है, प्लस उससे बेटर ही करी गई है। ओके, वो भी हम आपको ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस किए पहले फेज से और सेकंड फेज के अंदर क्या क्वालिटी में एनहांसमेंट करी गई है। ओके, तो उससे पहले आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में कहां पहुंच चुके हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मॉडल है हमारे प्रोजेक्ट का, राइट। इसके अंदर ये जो 4 टावर आप देख रहे हैं, 3 टावर क्लस्टर वो है जिसको हम एक्लेम कहते हैं, राइट। ये लेफ्ट में पड़ता है तो उसका नाम एक्लेम लेफ्ट है, वो सेंटर में पड़ता है तो उसका नाम एक्लेम सेंटर है, और वो राइट में पड़ता है तो उसका नाम एक्लेम राइट है। ओके, और ये जो बीच का टावर है ये प्रेस्टीज 2 करके है। ये प्रेस्टीज 1 है जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, और वो प्रेस्टीज 2 है। प्रेस्टीज 2 है जिसकी हाइट G+12 स्टोरी है, राइट। और इन तीनों टावरों की हाइट G+17 और 18 स्टोरी है जी। और ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये हमारा एक्वलेट फर्स्ट फेज है जो हम डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें 402 अपार्टमेंट थे, जिसमें एज ऑफ डेट 317 फैमिली रह रही है। राइट, टोटली सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है हमारा, टोटली सोल्ड आउट है। और मुझे ये तक पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीसेल में ढूंढते हैं 3 BHK और उनको मिलता नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इसमें भी बताना चाहूंगा कि प्राइस का जो एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 1 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 30-40% हुआ है। इसीलिए कम इन्वेंट्री की वजह से आज के डेट में जो प्राइसिंग है रीसेल वो काफी हाई हो चुकी है जी। 3 बेडरूम का जो प्राइस हमने बेचा था वो आज के डेट में पहले बेचा था 1.5 करोड़ के आसपास, आज रीसेल उसी प्रोडक्ट की 1.30-1.35 तक की चल रही है। ओके, जिसमें इन्वेंट्री की भी फाइट है। हाँ, नहीं मिलता है ये तो मुझे पता है, क्योंकि रेजिडेंट क्या लिमिटेड इन्वेंट्री वो अपने पास रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं पोजेशन पे यही प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी जी। आज अब मैं ओवरव्यू देता हूँ गुड़गांव का, तो गुड़गांव में कोई भी 3 बेडरूम 3-4 करोड़ से कम आ नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात, उसी रेंज के अंदर उसी क्वालिटी में उसी स्पेसिफिकेशन के साथ वही सोसाइटी का व्यूज आपको 1.5 करोड़ के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज मिल जाती है जी। रेंटल की बात करी जाए तो 2 BHK का रेंटल भी 22,000 पहुंच चुका है इस एरिया के अंदर। 22,000 रुपए 2 BHK, ये इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है या एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस? ये इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 3,000 रुपए की होती है, लेकिन उसके बावजूद 20,000 रुपए का नेट रिकवरी रेजिडेंट्स को मिल रही है जी, क्योंकि बहुत खुश है उस नंबर से। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है ये नंबर 25,000 तक जाने की उम्मीद है, राइट। और यही 3 बेडरूम आज की डेट में 30,000-35,000 के अंदर रेंट पे जा रहा है। और यहाँ से आपको गुड़गांव पहुँचने में कितना टाइम लगता है? देखिए, गुड़गांव पहुँचने के अंदर यहाँ से मुझे, अब जो मेन हाईवे है आप तो देखिए मेरे से बेटर जानते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है उससे आती है डेवलपमेंट, उससे आता है प्राइस डेप्रिसिएशन, राइट। 2017 के अंदर जब आपने द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू किया था जी, तब उसके अंदर काफ़ी हर्डल्स थे, लोगों को लग रहा था कि ये बनेगा नहीं बनेगा, और प्राइस पहुंच चुके थे प्रॉपर्टी के 5-6 हज़ार। जो विजनरी थे उन्होंने उस टाइम पे बाइंग करी थी। बिल्कुल, जो विजनरी थे उन्होंने बाइंग करी, आपकी वीडियोस देखी, फेथ रखा, और आज आप देख सकते हैं उस हाईवे के बनने से उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है, राइट। 15,000 रुपए का एवरेज प्राइस आ गया है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने 17,000 पर स्क्वायर फीट भी क्रॉस कर दिया। बिल्कुल, और ये आने वाले टाइम में जैसे ये कंप्लीट होगा, जब ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये 20,000 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट का सेंटर पीस है ये द्वारका एक्सप्रेस वे, राइट। तो कहने का मतलब ये है जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जब हाईवेज बनते हैं, डेवलपमेंट आती है, प्राइस बढ़ते हैं। इस एरिया का भी USP ये है, ये 3 हाईवेज पे बना हुआ है। पहला हाईवे है नेशनल हाईवे जो कि सोना रोड से लेके यहाँ तक आता है, नेशनल हाईवे 248A जिसको ये पूरा कनेक्ट करता है। आज की डेट में राजीव चौक से यहाँ पे आने की दूरी हार्डली 15 मिनट की रह गई है, राइट। जो पहले लोग कहते थे 40 मिनट है बहुत दूर है, अब 15 मिनट के अंदर आप राजीव चौक से यहाँ पहुंच जाते हैं, 5-7 मिनट के अंदर आप SPR से और गोल्ड फोर्ड एक्सटेंशन से यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो जो प्रॉपर्टी गोल्ड फोर्ड एक्सटेंशन में 18-19 हज़ार की मिल रही है, उसी एमिनिटीज को लेके, उसी सुविधा को लेके वही प्रॉपर्टी आज की डेट में यहाँ पे 7-7.5 हज़ार में मिल जाती है। एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, जो वाटिका चौक है जहां से द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी होनी है, वहां पे हो सकता है कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर का प्रोविजन हो या फिर क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का प्रोविजन हो, सो दैट ट्रैफिक जो है उसका मूवमेंट बहुत ईजी हो जाए। तो यहां से अगर किसी को एलिवेटेड रास्ता लेकर द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ भी जाना है तो वो कनेक्टिविटी भी उनको मिल जाएगी। बिल्कुल, यही एडवांटेज है जिस हिसाब से गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये एक बेसिकली बहुत अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन के आ रही है। मेरे ख्याल से इंडिया की नंबर 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनकर आएगी जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जी। अभी मैं सर्वे पढ़ रहा था, मुंबई के बाद अगर कहीं के रेट सबसे ज्यादा हाई है वो गुड़गांव के हैं, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग जी। फिर दूसरी यहाँ पे आती है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है। ये मुंबई से शुरू होता है और राजस्थान जाके खत्म होता है, राइट। और पूरे हरियाणा के अंदर अगर गुड़गांव हरियाणा में कहीं कनेक्ट करता है तो वो सोना में कनेक्ट करता है जी। वो आज के डेट में पूरा ऑपरेशनल है, तो उससे आपकी काफी मूवमेंट बढ़ी है। लोगों को जिसको राजस्थान जाना है, किसी को कहीं जाना है, वो अब यही रास्ता पकड़ रहे हैं। प्लस इंडस्ट्रीज के लिए काफी मूवमेंट्स बढ़ गई है। इसी से आप 5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो KMP आ जाता है, राइट। मानेसर पलवल एक्सप्रेस,
वो भी आपकी डेट में ऑपरेशनल है। तो ये तीन जो रोड हैं जो इस एरिया को बूम दे रही हैं, इसी के तर्ज के ऊपर यहाँ पे एक IMT सोना बनाए। आप जानते हैं हरियाणा में तीन IMT है, IMT मानेसर, IMT फरीदाबाद और IMT सोना। जी, जब से ये KMT चालू हुआ, DMIC चालू हुआ, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है। अभी एक जैपनीज बैटरी कंपनी है एम्प्रेक्स, इन्होंने 500 एकड़ का यहाँ पे अपना एक सेटअप सेट शुरू किया है। Right. जो किसी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर इसका पोजेशन है। Right. आप समझिए 500 एकड़ की कंपनी अगर आएगी, उसकी एंसिलरी यूनिट्स आएंगी, बिल्कुल कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिल्कुल. और कितना काम आएगा, और वो लोगों रहने के लिए जगह कहाँ चाहिए, वो जगह यहाँ मिलेगी सोना के अंदर। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर जो आज की प्राइस है 6,000 से 7,000, ये ऑलमोस्ट डबल होने वाली है 2 सालों के अंदर। ये जो 500 एकड़ का डेवलपमेंट आप बता रहे हैं ये बैटरी वाली कंपनी की, वो यहाँ से क्या डिस्टेंस है इसका? वो यहाँ से हार्डली 5 से 6 किलोमीटर आगे जाके है सोना के अंदर, IMT सोना पड़ता है वहां पे है, KMP से 1.5 किलोमीटर पहले। ओके, तो वहां पे सारा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। उसके अलावा आज के डेट में MMTC जो गोल्ड रिफाइनरी है वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश है। उसके अलावा 100 से 125 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेटअप है। ओके, तो उनके लिए सबके लिए जगह चाहिए, वो जगह कहाँ मिलेगी, वो यहाँ सोना के अंदर मिलेगी। जी, इसीलिए ये प्राइस और ये लोकेशन काफी बूम पे आई। एक और 60 मीटर का रोड आने वाला है आई थिंक, जहाँ पे आशियाना अनमोल है और सेंट्रल पार्क है वहां पे, बिल्कुल, जो कि आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। बिल्कुल, एक रोड आ रहा है जो बिल्कुल पैरेलल आएगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, वो 60 मीटर का रोड होगा, वो 63A सेक्टर में आपको जोड़ेगा और वो यहाँ पे सोना तक आएगा, तो उससे आपकी मूवमेंट और इम्प्रूव होगी। अगर फिर किसी को गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाना है तो वो और जल्दी पहुंच पाएगा, वो और जल्दी पहुंच सकता है, तो फिर वो रास्ता पकड़ लेगा और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पहुंच जाएगा। जी, बाकी हाईवे वगैरह तो आज के डेट में ऑपरेशनल है ही, वो वहां से भी जा सकता है। तो आज की डेट में ट्रैफिक की मूवमेंट की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, एक चीज और मैं पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, काफी लोग यहाँ पे रेंट में भी शिफ्ट किए थे और काफी यहाँ पे एंड यूजर भी शिफ्ट कर गए थे। लास्ट ईयर आपने कुछ फिगर बताया था, मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं है, बट आज के डेट में क्या सिनेरियो, कितनी ऑक्यूपेंसी है इस प्रोजेक्ट में? देखिए 402 फ्लैट हमारे हम डिलीवर कर चुके हैं। आज की डेट में जो एग्जैक्ट डाटा है वो है 347 फैमिलीज यहाँ पे मूव इन कर चुकी है। ओके, 347 के अंदर से जो रेशियो है वो 70-30 का है, 30% आपके टेनेंट्स हैं, 70% आपके एंड यूजर्स हैं। ओके, और आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रखर जी, जो हमारे यहाँ पे टेनेंट्स भी हैं जी, उनमें से ऑलमोस्ट 30-40% लोगों ने हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन देख के, क्वालिटी देख के, लाइफस्टाइल देख के सेकंड फेज में लेने का वो भी किया है, डिसीजन लिया है। हमारे यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग रेजिडेंट हैं, चाहे वो टेनेंट्स हो चाहे वो एंड यूजर हो, 20-30% लोगों ने हमारे यहाँ सेकंड फेज में इन्वेस्ट भी किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लोगों को कितना इसका सुविधा मिल रही है, कितना यहाँ से खुश है, तभी वो लोग सेकंड फेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी, तो ये सब एडवांटेजेस है सोसाइटी की। एक तो हमारी सोसाइटी चारों तरफ से ओपन है, सामने आपका नेशनल हाईवे आ जाता है, जैसे मैंने बताया नेशनल हाईवे 248A, प्रोजेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में 82 एकर्स की GD गोइंग का यूनिवर्सिटी और स्कूल है, 82 एकर्स की। राइट हैंड साइड में आपका बाल भारती स्कूल आ जाता है जी, और पीछे पूरी की पूरी अरावली रेंजेस आ जाती हैं। राइट, तो आज के डेट में जो लोग फील करते हैं कि यार यहाँ पर अरावली नहीं मिलती या ग्रीनरी नहीं मिलती, वो सारी चीजें यहाँ पे कैटर होती हैं। तो लोग कहते हैं यहाँ पे आज कॉन्क्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं सारी, आसपास कुछ देखने को मिलता नहीं है, व्यू नहीं मिलता, तो सारा क्लियर व्यू मिलता है, अच्छी पहाड़ियां मिलती हैं, बारिश के मौसम में तो ये एरिया बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाता है, आई थिंक लैंडस्केपिंग बिकम्स वेरी नाइस, तो ग्रीनरी हो जाता है काफी, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे अगर आपको मौका मिले लेने का तो आप सोना रोड फेसिंग वाले यूनिट्स लेंगे या अरावली फेसिंग वाले यूनिट्स? देखिए मैं अगर मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली अरावली फेसिंग का लूंगा, क्योंकि व्यू के ही पैसे आज के डेट में, और अब कहीं भी अच्छे बिल्डर पे जाते हैं वो व्यू के पैसे मांगता है, चाहे वो पार्क फेसिंग हो, चाहे वो स्विमिंग पूल फेसिंग हो, चाहे वो कॉर्नर फेसिंग हो, तो यहाँ पे जो एडवांटेज है वो अरावली का है, पीस ऑफ माइंड है, अच्छा व्यू है, कोई भी दूसरी बिल्डिंग सामने देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अंदर का परा तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। मेरा पर्सनल चॉइस रहेगा अरावली व्यूज। ओके, एंड आपके प्रोजेक्ट के आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स कितनी है? देखिए आसपास की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑपरेशनल है आज की डेट के अंदर। पहला प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल, जैसे आपने बताया, राइट, वो आज के डेट में फर्स्ट फेज वो डिलीवर कर चुके हैं। सेकंड प्रोजेक्ट आता है आशियाना का, एक और प्रोजेक्ट है आशियाना का सेंटर को, आशियाना मलबरी, वो भी आपका डिलीवर्ड है, उसमें भी फर्स्ट फेज में पोजेशन आ गया है। सिग्नेचर के 2 प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क है, गोदरेज है, या मल्टीपल 5 से 7 प्रोजेक्ट है। ओके, बट हमारे बिल्डिंग के आसपास कोई हाई राइज बिल्डिंग है क्या जिससे व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए? हमारे चारों तरफ से ओपन व्यू है, जैसे मैंने बताया कि चारों तरफ से ओपननेस है, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो यही एडवांटेज है कि कोई व्यू का हिंड्रेंस नहीं होता हमारे यहाँ। और ये टोटल कितने एकड़ में स्प्रेड है? 13.25 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 8 टावर है और 809 अपार्टमेंट है। ओके, ऑलराइट, इस प्रोजेक्ट के अलावा आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस एरिया में? देखिए इस प्रोजेक्ट के बाद ये हमारा 64-65 यूनिट्स इतना बची है हमारे पास जी, उसको सेल करने के बाद हमने 2-3 लैंड पार्सल परचेज की है। एक लैंड पार्सल हमारा सेक्टर 80 के अंदर है, जो कि बाय दिवाली हम लेकर आ जाएंगे। ऑलराइट, उसके अंदर हमारे पास 8 एकड़ का लैंड पार्सल है। ओके, उसमें सारे जो अपार्टमेंट्स होंगे गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे, कर्मा लेक लैंड। उसके बाद कुछ लैंड पार्सल हमने द्वारका एक्सप्रेस में फाइनलाइज किए हैं जी,
प्लस अभी एल्डिको एक नए सेगमेंट में आया है जो एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर है, उसका नाम हमने टेरा ग्रांडे रखा है, जिसमें हम वेकेशन होम्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लग्जरी एरियाज के अंदर। और ये कहां पे है? अभी उसमें पहला प्रोजेक्ट आया है कसौली के अंदर। ऑलराइट। फिर उसके अंदर आने वाले प्रोजेक्ट है वो नरेंद्र नगर के अंदर है, ऋषिकेश के अंदर, फिर उसके बाद गोवा में कुछ लैंड पार्सल है, और उसके बाद मसूरी में। ऑलराइट। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं उसकी थोड़ी बहुत ब्रीफिंग आपको दूं। श्योर, डेफिनेटली, और उनको मैं कवर भी करूंगा काफी डिटेल में। बिल्कुल। तो आप जैसे आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन का, मैं आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ जी। आप जब लास्ट टाइम आए थे, जो हमारा प्रेस्टीज 2 टावर था, ये प्रेस्टीज 2 टावर मतलब ये वाला टावर, ये G+12 है, ये 7th फ्लोर तक पहुंच चुका था। राइट। आज इस प्रोजेक्ट का पूरा टावर का सुपरस्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ओके। इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके। 7th फ्लोर तक टाइलिंग्स डल चुकी है। ऑलराइट। फिर आता है एक्लेम लेफ्ट, जो कि 14th फ्लोर तक पहुंच चुका था, यानी ये वाला, यानी ये वाला, इसका भी आकर सुपरस्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर इंटरनल प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर चल रहा है और टाइलिंग और प्लम्बिंग का काम चल रहा है। ओके। फिर आता है एक्लेम सेंटर, जिसमें G+18 लिखा हुआ है, ये 9th फ्लोर पे था, इसका भी सुपरस्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके। फिर आता है एक्लेम राइट, एक्लेम राइट सिर्फ 3rd फ्लोर पे था जब आप आए थे, आज इसका भी सुपरस्ट्रक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। Alright. और एक्सटर्नल प्लास्टर इंटरनल प्लास्टर का काम चल रहा है। ऑलराइट। तो काफी एडवांस स्टेज पे हम कंस्ट्रक्शन के आ चुके हैं। एक बात और आपको छोटी सी और बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं उसके साथ में EWS है, ये वाला EWS। यस। आप कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, आपको पता है कि EWS के बिना यहाँ पे हमारी कोई OC आती नहीं है। राइट। हमने पहले से ही अपना EWS डिलीवर कर चुके हैं, बना चुके हैं, प्लस अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है जी। तो इसका पेंट वर्क आपका नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा और हम इसको नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। ओके। तो हम ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है अपने एज पर कमिटेड टाइम पीरियड से, टाइम जोन से, जो हमने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। ऑलराइट। और हम कोशिश कर रहे हैं बेटर क्वालिटी और जल्दी टाइम पे डिलीवर कर दिया जाए। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो मुझे एक आपका वायरल वीडियो बहुत याद आता है, आपके किसी रेसिडेंट ने डाला था, उस स्पेसिफिक फीडबैक भी मैं लेना चाहूंगा कस्टमर से जो यहाँ पे होम बायर्स रह रहे हैं, एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनसे मैं मिलना चाहूंगा और उनसे भी फीडबैक लेना चाहूंगा, रैंडमली लूंगा ये। ठीक है प्रखर जी। देखिए आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप जो वीडियो बनाते हैं आप अनबायस रहते हैं, आप ये नहीं करते कि डेवलपर के साइज का व्यू दिखा दिया जी, आप चाहते हैं रेजिडेंट का दिखाएं, और हम भी चाहते हैं, दिखाना चाहिए, आप क्लाइंट को दोनों व्यू मिलने चाहिए कि एक रेजिडेंट का व्यू और एक सेलर का व्यू जी। तो हम मानते हैं आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, वो मई 2021 का इशू था। करेक्ट। लेकिन उसके बाद हमने काफी चीजें इंप्लीमेंट करी है, चेंज। तो मैंने आपसे सब कुछ समझ लिया, आपने बताया भी, अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि हम साइट पे चल के एक्चुअल काम देखें कि क्या चल रहा है। बिल्कुल प्रकाश जी, मेरे ख्याल से इसमें वेट नहीं करते, पूरा आपको एक्चुअल चीज दिखाते हैं जो कि स्टेज ग्राउंड पे है, ताकि आपको लगे जो हमने जो वादे किए थे वो हमने आपको जो वादे किए थे पूरे किए नहीं किए। ऑलराइट, ठीक है, चलिए काशी जी हम यहाँ से अंदर चलते हैं। तो ये बेसिकली हमारी मेन एंट्रेंस है। ओके। वन एंड ओनली एंट्रेंस। ऑलराइट। मल्टीपल एंट्रेंस भी दी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हमारी वन एंड मेन एंट्रेंस यही रहेगी। ओके। मेन एंट्री कर रहे हैं, और सामने देख सकते हैं हमारा जो डिलीवर टावर है जी, ये टावर है प्रिविलेज लेफ्ट। ऑलराइट। ये हमने 2019 में डिलीवर कर दिया था। ओके। आज की डेट में पूरा कम्प्लीट है, ऑक्यूपाइड है, आप खुद देख सकते हैं फसाद के अंदर कोई किसी तरह का कोई नुकसान, कोई टूट फूट, कैसी कोई पेंट का टूटा हुआ सीलन वगैरह कुछ नहीं है जी। इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है अभी? अभी मेंटेनेंस इन हाउस है। ऑलराइट। में लेफ्ट में अभी देख सकते हैं पाथवे है, सबसे एडवांटेज एरिया है हमारे प्रोडक्ट का यही है। ओके। ये 1.5 किलोमीटर का जी, 1.5 किलोमीटर का पूरा पाथवे है, जॉगिंग ट्रैक एरिया है। ओके। इसमें कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, बच्चे आराम से घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट को इंटरकनेक्ट करता है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि कुछ लोग यहाँ जॉगिंग कर रहे थे और बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहे थे। इस वाले सेक्शन में 1 घंटा वेट करेंगे। सो यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए सेफ्टी रहती है, पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती कि बच्चे आराम से खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, आराम से बुजुर्गों के लिए मूवमेंट एरिया हो जाता है, बच्चों के लिए खेलने का एरिया हो जाता जी। है। ये इस प्रोडक्ट की USP है, क्योंकि आज के प्रोडक्ट मिलती नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, अब ये तो आपने फेज 1 के लिए USP बना दिया। हाँ जी। फेज 2 के लिए भी क्या आपने ऐसा कुछ दिया है? बिल्कुल, ये पूरा 1.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है जो फेज 2 को भी कनेक्ट करता है, फेज 2 से दोबारा वहाँ पे आके खत्म होता है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट को इंटरकनेक्ट करेगा। ओके। इसीलिए ये फेज 1 का भी एडवांटेज रहेगा, फेज 2 का भी एडवांटेज रहेगा। ऑलराइट। इसी के साथ में हमारा बेसमेंट का रैंप है जी, हमारे 3 राउंड है रैंप्स के, ये फर्स्ट लेवल है जी, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। ओके। -1 लेवल का आपका बेसमेंट है जो पूरा प्रोजेक्ट से इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट। जैसे कि मैंने आपको बताया 809 अपार्टमेंट है हमारे यहाँ जी, और जो पार्किंग अलॉट की गई है बेसमेंट के अंदर उसका रेशियो है 1:1.75। ओके। हर अपार्टमेंट के लिए हमने 1.75 पार्किंग रखी है। So, इसमें चार्जिंग, ईवी चार्जिंग के लिए भी कोई प्रोविजन आपने दिया? अभी ईवी चार्जिंग की कुछ हमने सुविधा देनी शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ गाड़ियां आ गई हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है, और एडवांसमेंट हम करेंगे इसके अंदर। ओके।
लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था तो इतनी ग्रीनरी नहीं हुई थी उस टाइम, प्लांटेशन नए हुए थे, अब क्रीपर्स पूरे फैल गए हैं चारों तरफ। ये आपको देखने में अच्छा लगता बहुत है, अच्छा लग रहा है। जो सोसाइटीज के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर लोग मिस करते हैं जी, यही हमारे प्रोडक्ट का एडवांटेज है, यूएसपी है कि ग्रीनरी काफी है। जैसे मैंने बताया 70% ग्रीन एरिया है, ओपन एरिया है, जिसके अंदर अगर आप डेडिकेटेड पूछे तो लोग कहते हैं ग्रीन एरिया की तरफ 40% से ज्यादा ग्रीन एरिया है। 1.5 एकड़ का सेंट्रलाइज ग्रीन पार्क है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब हम रास्ते में जाएंगे, बिल्कुल पास से पूरा पार्क दिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे उसमें भी खेलते हैं, काफी कुछ होता है उसके अंदर एक्टिविटी। एंड यहाँ पे आपने गेस्ट पार्किंग बेस भी दिया, पार्किंग दी हुई है, जो रेजिडेंट्स के गेस्ट आते हैं उनके पार्किंग नंबर है, वो आप पार्किंग दीजिए सबसे। ओके, और ये फिर आपके नॉर्मल व्हीकलर मूवमेंट के लिए मूवमेंट एरिया है, ये दुकी टोटली सेपरेट है जॉगिंग ट्रैक एरिया से। करेक्ट, तो बच्चे वहाँ सेफ रहते हैं, खेलते रहते हैं, यहाँ पे अपना ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है जी। और मैं देख रहा हूँ कुछ रेसिडेंट्स शिफ्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि आज के बाद 340 ही फैमिली आई है, कुछ फैमिलीज अभी रिसेंटली शिफ्ट हो रही है जी, या कुछ टेनेंट्स भी आए होंगे तो ये वो फैमिली तक शिफ्ट हो रही मूव हो रही है। एक चीज मुझे और बताइए, ये जो गेस्ट पार्किंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ऊपर शेड नहीं है, ये ओपन है, वहाँ एक्सट्रीम एंड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो शेड क्यों दिख रहे हैं? बेसिकली वो साइकिल आपका ट्रैक्स का स्पेस दी हुई है, बाइसाइकिल स्किल रखने के लिए स्पेस है, उनको कवर करने के लिए दिया हुआ है। तो जिन भी बच्चों का या रेसिडेंट्स का यहाँ पे साइकिल वाइकिल है वो सब वहाँ जाके उसको रख सकते हैं। दो स्पेस दिए, यहाँ पे दिया है, एक टावर नंबर P1 के आगे भी दिया हुआ है। ओके, जो दो स्पेस हमने डेडिकेटेड साइकिल स्टैंड के लिए दी हुई है, तो सारे जिनको भी साइकिल, जिनके पास भी साइकिल है उनके लिए साइकिल स्टैंड यही है, ये है, और एक P1 के आगे है, और प्लस सेकंड फेज के भी अंदर अलग आएगा। ऑलराइट, हाँ, क्योंकि वहां से तो दूर हो जाएगा सेकंड फेज से। बेसिकली चार हम साइकिल स्टैंड रखेंगे, दो फेज वन के लिए, दो फेज टू के लिए। सुपर, तो साइकिल जैसे मैंने देखा कई सारी ऐसे सोसाइटीज है जिनके स्टिल्ट एरिया में साइकिल पार्क्ड होते हैं या लिफ्ट के पास जो ओपन एरिया होता है वहां पे वो पार्क करके छोड़ देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए यही ब्यूटी खराब करती है, यही सोसाइटी का फसाद खराब करती है, लुक्स खराब करती है, जहाँ पे आपके लॉबी एरिया के अंदर साइकिल खड़ी हो गई, ये सब हो गया जी। उन चीजों को मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को बाद में रियलाइज होती है कि कंपनी ने क्या दिया है जी। हमने अलग से स्पेस दी हुई है, लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, शेड दिया ताकि क्योंकि बारिश आए तो खराब ना हो, समझ गया। ये सब छोटी छोटी चीजों पर हमने ध्यान रखा गया है। इसीलिए एक और आपको छोटी चीज बता जाऊंगा, बेसमेंट की कनेक्टिविटी है वो भी आपका कार्ड स्वैपिंग मशीन से है या फिंगर इन थंपिंग मशीन से है। ओके, तो कोई अननोन बंदा बेसमेंट से ऊपर नहीं आ सकता या ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। ऑलराइट, ऑथराइजेशन कार्ड या पंचिंग सिस्टम। ऑलराइट, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये तीन टावर क्लस्टर है जो कि हमारा प्रिविलेज के नाम से, जो हमने पहले भी देखा था जी, ये पूरी तरह से डिलीवर्ड है, फैमिलीज रह रही। आगे से तो आपने फसाद दिखा दिया था, मैं इस तरफ से भी आपको एक बार फसाद जूम करके दिखा देता हूँ। इसकी लास्ट पेंट कब हुई थी इसमें? इसका लास्ट पेंट अभी 3-4 महीने पहले हुआ था। ओके, और अभी हम पेंट करना शुरू कर रहे हैं सेकंड P2 टावर के दोबारा से। ऑल राइट, कोशिश करते हैं साल के अंदर एक बार तो पेंटिंग का काम पूरा करा जाए हर टावर के अंदर। ओके, वो भी पूरा कंपनी के उस पे होता है, वरना आप देखिएगा कोई भी सोसाइटी जब आती है जी उससे खर्चा लिया जाता है IFNS के नाम पे। राइट, और वो फंड क्रिएट किया था और वो उससे पैसा यूज होता है। करेक्ट, हमने आज तक वो पैसा यूज नहीं किया, जो भी खर्चा आ रहा है पेंटिंग का, मेंटेनेंस का, रिपेयर का जी, वो सब LDCO अपनी जेब से खर्चा कर रही है। ओके, ताकि लोगों को लगे कि हम कुछ एडिशनल सर्विस दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें लोगों को पता नहीं चलती है लेकिन ये दिखाती है। देखिए आप भी देखिए, कटिंग वटिंग रेगुलरली हो रही है जी, मेंटेन प्रूनिंग वगैरह सब रेगुलर रहती है। और ये बच्चों के साइकिल स्टैंड, बच्चों के साइकिल स्टैंड अपने आपको दिखाई भी था जी, धूप में भी खराब नहीं होंगे, बारिश में भी खराब नहीं होंगे। वेरी गुड, हर किसी में लॉक सिस्टम दिया हुआ है, लॉक भी लगा सकते हैं जी। आप देख सकते हैं सेकंड फेज का कंस्ट्रक्शन आप सामने दिख रही होगी आपको। राइट, ये प्रेस्टीज 2 है। बिल्कुल ठीक है, जब आप आए थे लास्ट टाइम ये 9th फ्लोर पे था। राइट, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, और एक्सटर्नल प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सुपर स्ट्रक्चर और प्लास्टर वर्क चल रहा है एक्सटर्नल प्लास्टर। ये कितने फ्लोर का है टोटल? ये G+12 है। ओके, और पूरा सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है विद एक्सटर्नल प्लास्टर और इंटरनल प्लास्टर का काम जी, प्लस फ्लोरिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। ओके, और आप वहां पे देख सकते हैं ये वो तीन टावर क्लस्टर है, एक्लेम वो वाला टावर था जो जब लास्ट टाइम आए थे वो 14th फ्लोर पे था जी, अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये सेंट्रल टावर है, जब आप आए थे 9th फ्लोर पे था। राइट, ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लास्टर दोनों में आ चुका है। अब थोड़ा आगे चलेंगे उस तरफ आपको राइट भी दिख जाएगा जो था 3rd फ्लोर पे था जी, उसका भी सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्लब हाउस के पास हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपका क्लब हाउस देखा था, बहुत ही खूबसूरत क्लब हाउस है। बिल्कुल, एक बार कंस्ट्रक्शन अपडेट लेने के बाद क्लब हाउस भी देख लेंगे। बिल्कुल, आप क्लब हाउस देखिए, आज भी लोग हमारे क्लब हाउस की तारीफ करते हैं। 25,000 square feet का वन ऑफ द ब्यूटीफुल, वन ऑफ द लग्जरियस क्लब हाउस है जी, जो इसकी USP भी है हमारे प्रोडक्ट की जी। देखिए इसी के पीछे हमने स्विमिंग पूल दिया हुआ, 1.5 एकड़ का पूरा सेंट्रलाइज ग्रीन एरिया दिया हुआ है जी, तो वही हमारी बेसिक USP है। जब हम कंस्ट्रक्शन से आएंगे तो आपको ये पूरा दोबारा दिखाना चाहूंगा। ठीक है,
एंड ये आपका जो साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक है, वही जॉगिंग ट्रैक है जिसमें बताया कि इंटरकनेक्टेड हो रहा है, वहां जाके राइट मुड़ जाता है। इससे पहले जब आप वीडियो देख रहे थे हम बिल्कुल उस एक्सट्रीम एंड में थे। ये किड्स प्लेइंग एरिया आगे आपके लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सामने किड्स प्लेइंग एरिया है। ये स्लोप भी आपने बड़ा अच्छा प्यारा से बनाया है। बिल्कुल, और इसको मेंटेन किया गया। देखिए अभी भी कटिंग वटिंग चल रही है। हाँ मैं देख सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ट्रीज प्रॉपरली मेंटेन है, शेप्ड अप है, राइट। फिलहाल इस समय जो टाइम हुआ है वो लगभग 4 बज रहे हैं, इस वजह से आपको कोई धूप में दिख नहीं रहे हैं बच्चे खेलते हुए। अदरवाइज लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। देखिए अभी भी आप 1.5 घंटा रुक जाइए, 5:30 बजे का बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है जी। ये पूरा ग्रीन एरिया यहाँ से शुरू है, राइट। ये सब तो प्रोजेक्ट का ही पार्ट बन जाएगा, ये जो ब्लू शेड्स वगैरह ये सब हट जाएंगे, ये सब ओपन रहेगा। ये अभी 40% तक का ग्रीन एरिया है जी, ये पूरा आगे तक फैला हुआ है। जब ये सेकंड फेज की शेड्स ऊपर हो जाएंगी तो ऑलमोस्ट इससे डबल साइज का ग्रीन एरिया निकल कर आएगा। ओके, यही ग्रीन एरिया आज की सोसाइटी में जो मिसिंग है, सबसे बड़ा ग्रीन एरिया हमने यहाँ पे दिया है जी। ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ का ये ग्रीन पैच बन जाता है। मैं एक बार राउंड लेकर दिखा देता हूँ सबको। ये सामने क्लब हाउस, इससे पहले हम क्लब हाउस के सामने की तरफ थे, ये पीछे का एरिया है क्लब हाउस का। ये जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं इसके पीछे पूल एरिया है, और ये पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पे, ये सारा जब कनेक्ट हो जाएगा आपस में प्रोजेक्ट फेज वन और फेज टू, तो इस जगह पे होगा क्या ग्रीन एरिया में? ये वैसे ही ग्रीन रहेगा, मेंटेन रहेगा। कुछ आपके सिटिंग सिस्टम में दिए जाएंगे यहाँ पे जी, प्लस फ्लावर्स के आपकी बैरिकेडिंग हो जाएगी, कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा दिए जाएंगे, कैरीज लगा दी जाएंगी। तो इसको ब्यूटीफाई कर देंगे, ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा इसको। ऑल राइट, तो अभी आपको पूरा लेके चलते हैं फेज टू के अंदर एक बार कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। जैसे आपने ये ग्रीन एरिया देख लिया, इसके बाद जैसे इस ब्लू वाले डिवाइडर या शेड को हम क्रॉस करेंगे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा, जहाँ पे फेज टू बन रहा है। और फेज टू में अभी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होना बाकी है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि आपने ट्रीज को रिटेन किया हुआ है, जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है उनको काटा नहीं है आपने जी। और ये क्या कोई रेवेन्यू रास्ता है प्रोजेक्ट में या क्या है? नहीं प्रकाश जी, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा जॉगिंग ट्रैक है जी, जो पूरे प्रोजेक्ट को इंटरकनेक्ट करता है, राइट। तो ये वही जॉगिंग ट्रैक है जो आगे तक जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगा। ओके, इसका मतलब है कि जो मैं फेज वन देखूं जी, उसके पास जो ग्रीन एरिया है वो और चौड़ा ग्रीन एरिया हो जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा प्रोजेक्ट का पार्ट है। हमारे लैंड के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं है। पूरा क्लियर टाइटल है जिसमें फर्स्ट फेज को हम रजिस्ट्री दे चुके हैं और सेकंड फेज का काम आपके सामने दिख रहा है। आसपास कोई बहुत बड़ा ड्रेन, ऐसा कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है, कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन देखने। अब हम चलते हैं, देखिए सामने देख ही रहे हैं कंस्ट्रक्शन फेज है पूरा का पूरा, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। पहले मैं दिखाना चाहूंगा लेफ्ट हैंड साइड में EWS, ये EWS है जी। आप कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं हमारे सेकंड फेज की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हमारा EWS है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है EWS उसमें लास्ट में बनता है, राइट। EWS इससे बनाया जाता है क्योंकि उसके बेसिस पे हमको OC मिलता है, राइट। लेकिन हमने अभी से ही कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पूरा सुपर स्ट्रक्चर का EWS कंप्लीट कर लिया है। ओके। और इसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गया है, नेक्स्ट मंथ इसके अंदर पेंट वर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसका रास्ता बन जाएगा। हम EWS ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसी के पैरेलल में हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो भी इन दोनों टावर्स के बीच में। हाँ बिल्कुल, बीच में वहाँ पे अभी चलेंगे आगे, मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूल है प्राइमरी स्कूल, जिसको हमने बेच दिया है एशियन पब्लिक स्कूल करके एक फ्रेंचाइजी है उसको। ऑल राइट, राइट, वो स्कूल हम दे चुके हैं, उसके भी कंस्ट्रक्शन हमने अभी से शुरू कर दी है। ओके, ताकि पोजीशन तक आते आते वो भी हम कंप्लीट कर सकते। टोटल आपने कितने अपार्टमेंट्स बताए यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में? फेज वन फेज टू मिला के 809 अपार्टमेंट है, जिसमें फेज वन में 402 और फेज टू में 407 है। ठीक है, फेज वन में 402। हाँ जी, 402 में कितने बच्चे होंगे? देखिए हर फैमिली के अंदर मेरे ख्याल से 90% बच्चों के साथ वाली फैमिली है। ओके, और इसके अंदर हार्डली ऐसे 10% होंगे जिसमें जैसे आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, बैचलर्स हो गए, वो होंगे। 90% विद फैमिली जिसमें बच्चे हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, सो बहुत ही वायबल होता है अगर यहाँ पे आपका प्राइमरी स्कूल आता है। बिल्कुल, आई थिंक जब ये बच्चे स्कूल आएंगे, क्रच वगैरह की फैसिलिटी चाहिए होती है तो वो बच्चे यहीं स्कूल में जाते हैं जी। तो हम शुरू करते हैं,
ये हमारा एक्लेम टावर के तीन फेसेस हैं, ये एक्लेम लेफ्ट है, ये सेंटर है और उस तरफ राइट है। ओके और ये है प्रेस्टीज टू। राइट, तो हम पहले शुरू करते हैं एक्लेम लेफ्ट से। जी, तो ये आपका देखिए, जब आप लास्ट टाइम आए थे 14th floor तक था, जिसमें ब्रिक वगैरह कुछ भी काम नहीं हुआ था। जी, तो आप देख सकते हैं पूरा ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, इंटरनल प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर चल रहा है जी, और फ्लोरिंग का काम चल रहा है। ओके, तो फ्लोरिंग का काम किस 7th floor तक हम फ्लोरिंग का काम डाल चुके हैं। फ्लोरिंग सिर्फ फ्लैटों के फ्लोरिंग नहीं, कॉमन एरिया के फ्लोरिंग की बात भी हम कर रहे हैं। ओके, प्लस इसके अंदर हमने ऑलरेडी लिफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट सेकंड फेज के अंदर भी दे दिया गया है। ऑल राइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग और आपका वाटर प्रूफिंग, ये सब का स्टेज कहाँ तक पहुँचा है? इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट फेज का कनेक्शन आ चुका है, प्लम्बिंग वर्क हमारा चल रहा है साइड बाई साइड, और हर टावर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक वर्क काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क का काम शुरू होता है टॉप फ्लोर से नीचे, ऊपर से नीचे आता है। तो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है इलेक्ट्रिकल का काम। ऑल राइट जी, तो ये हमारा पूरा आपका टावर है एक्लेम लेफ्ट करके। फिर आते हैं एक्लेम सेंटर। जब आप लास्ट टाइम आए थे ये 9th floor पे था। राइट, आज आप देख सकते हैं 18th floor के 18th floor पूरे डल चुके हैं, ब्रिक वर्क कंप्लीट है, प्लास्टर इंटरनल एक्सटर्नल, इससे ज्यादा एडवांस स्टेज में ये मुझे लग रहा है। हाँ जी, ये एडवांस स्टेज में, क्योंकि प्लास्टर इस साल से शुरू हुआ था। okay. अब देखिए अब इस फेज में चल रहा है जी, तो ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए रेलिंग्स वगैरह सब लग चुकी है, यहाँ पे भी रेलिंग लग रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फ्लैटों के अंदर रेलिंग लग चुकी है। ऊपर के कुछ फ्लोर छोड़ दूं तो बाकी सब में रेलिंग, 70% रेलिंग का काम भी हो चुका है जी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो टाइम आपको बोला था, जो प्रॉमिस आपको किए थे, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं उससे आगे ही रहे, पीछे ना रहे। ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मल्टीपल लोग, दुनिया भर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और आपके ट्रस्ट पे ये चीज लेते हैं जी, तो हम नहीं चाहते उनका ट्रस्ट किसी तरह से खराब हो। ओके, एक चीज मैं और देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपने विंडोज भी लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल, विंडोज भी लगाने शुरू कर दिए, प्लस आप देख सकते हैं पेंट वर्क का, पैच वर्क का भी आ चुका है, जो कलर हम फाइनलाइज करेंगे इस टावर के अंदर। उधर भी मुझे कलर दिख रहा है, इधर भी कलर, ये फाइनल कौन सा हुआ इसमें? बेसिकली कलर दोनों सेम ही है, वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के, एक बर्जर का है और एक एशियन का। ओके, तो हमने एशियन का फाइनल किया, जबकि वो वाला है वो हमारा फाइनल कोट रहेगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे मुझे डोर और विंडो फ्रेम्स दिख रहे हैं ग्लासेस वाले, ये ग्लासेस टफन ग्लास है? ये टफन ग्लास है, सारे के सारे टफन ग्लास है, और सारे के सारे जो फिटिंग है वो UPVC है। यही इशू था जो फर्स्ट फेज में हमने चेंज किया गया, सेकंड फेज के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया गया। आज आप देख सकते हैं, जब पिछली बार आए थे आज आपको ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस है मैं आपको ग्राउंड पर बताना चाहूंगा। ठीक है, प्रखर जी अंदर चलते हैं और उसके बारे में और जानते हैं। सो प्रखर जी, अब हम आ गए हैं टावर नंबर P2 के अंदर, ये है प्रेस्टीज 2। जब आप आए थे ये 9th floor पे था जी। अब आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टर हो चुका है, आपका इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ब्रेक वर्क कंप्लीट हो चुका है, सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, रेलिंग डल चुकी है ऑलमोस्ट, और आपका इंटरनल फ्लोरिंग ऑलमोस्ट 10th floor तक पहुंच चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे इस तरफ लेकर आए हैं तो यहीं से सारी रेलिंग डली हुई, दूसरी तरफ में रेलिंग ना डली? साइड भी देख सका सकते हैं, साइड पे पूरी रेलिंग डली हुई है। हां, यहां पे भी मुझे रेलिंग देख सकते हैं। प्लस देखिए ये एक्लेम लेफ्ट का टावर है और ये प्रेस्टीज 2 है। आप कहेंगे सेंटर के बीच में एरिया आ क्या रहा है? आपने अभी देखा था हमने किड्स प्ले एरिया दिया हुआ था कुछ फेज 1 के अंदर। राइट, सेकेंड फेज के अंदर भी हमने डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, वो यहाँ पे आएगा। ओके, विच मींस कि यहाँ पे जो ये पूल एरिया है जहाँ तक मुझे पता है, और ये वाला जो पोर्शन मैं देख रहा हूँ इसके पीछे वो पूरा ग्रीन एरिया था जो ब्लू शेड से कवर्ड था। तो ये वाला पोर्शन और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जो आपका सेंटर वाला टावर है एक्लेम के, ये वाला पोर्शन जहाँ से हम एंटर करते हैं, जहाँ पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये पूरा एरिया मिलके ग्रीन बड़ा एरिया बन बिल्कुल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ी विड्थ होगी। जब हम बोलते हैं 1.5 एकड़ तो लोगों को समझ नहीं आता है। राइट, लेकिन अब आप यहाँ खड़े हैं तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में इतना बड़ा ग्रीन एरिया किसी प्रोजेक्ट के अंदर आता नहीं। टोटल 1.5 एकड़ का होगा, 1.5 एकड़ का सेंट्रलाइज ग्रीन एरिया है। ओके, मैं ग्रीन एरिया बोलूँ तो ग्रीन एरिया, लोग ओपन एरिया को भी ग्रीन एरिया में ऐड कर देते हैं, लेकिन हमारा डेडिकेटेड ग्रीन एरिया है जो कि आपका PL टावर के सामने शुरू होता है और ऑलमोस्ट एक्लेम सेंटर के सामने तक जाता है, और ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये आगे जाके एक्सपेंड होता है। वो वाला जो टावर देख रहा हूँ मैं EWS वाला, ये वहां तक है, ये वहां तक जाएगा। तो बेसिकली ये इतना बड़ा है कि इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड आ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए ही आपका ये USP रहता है कि हमारा 1.5 एकड़ का आपका ग्रीन एरिया है, जिसको आप एक स्पोर्ट्स प्ले एरिया के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने बोला क्रिकेट स्टेडियम हो गया, फुटबॉल स्टेडियम हो गया, कोई और वे में यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ओपननेस हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर दी गई है। इसमें टोटल जो एरिया है वो कितना ओपन एरिया है इस प्रोजेक्ट में? देखिए इसके अंदर 62% हमने ओपन एरिया रखा है। ओके, हम ओपन एरिया की बात करते हैं जिसमें वो एरिया आता है जैसे कार पार्किंग स्पेस है, विजिटर पार्किंग एरिया आ जाता है, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया आ जाता है, अदर एमिनिटीज आ जाती है, तो 62% से ऊपर हमारा ओपन एरिया दिया गया है। मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ बिल्कुल कि ये पूरा जो एरिया मैं देख सक रहा हूँ जो शेड के थ्रू बाकी लोग नहीं देख पा रहे, मैं ड्रोन से दिखा देता हूँ, ये पूरा ग्रीन एरिया होने वाला है। बिल्कुल, अब आप समझिए जो जॉगिंग ट्रैक से PL टावर के सामने से शुरू करेगा जी, वो वहां से पीछे से आता हुआ, वो रेलिंग लगी हुई है वहां पे। राइट, वो रेलिंग से पीछे ऐसे जाएगा
यहाँ से जाता हुआ फिर एक्लेम राइट के साइड से जाता हुआ वहां जाएगा और फिर हम आगे पहुंच जाएंगे जैसे हमने रास्ता पूरा दिखाया था। राइट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट को एक जॉगिंग ट्रैक कवर कर रहा है, आपस में इंटरकनेक्टेड है सारा। पूरा इंटरकनेक्टेड है, तो पूरा ओपन मूवमेंट स्पेस मिल जाता है आपको घूमने वगैरह के लिए। ओके। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी रहता है। ऑल राइट। तो अब हमने जैसे आपको बताया ये एक्लेम लेफ्ट है, ये हमारा एक्लेम सेंटर है जी। इसका सुपर स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। राइट। ये जी प्लस 18 स्टोरी की बिल्डिंग है। ओके। इसमें इंटरनल प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है। ऑल राइट। अब हम आपको लेके चलेंगे एक्लेम राइट की तरफ। ओके। एक्लेम राइट की भी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको अंदर ले जाएंगे एक सैंपल के अंदर। इस वक्त इस साइट में कितने लेबर काम कर रही होगी? इसके आज के डेट के अंदर माने टेंटेटिव 375 टू 380 लेबर्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं। okay. और हर दिन उनका रजिस्ट्रेशन होता है, हर दिन उनकी एंट्री होती है। All right. तो 300 से 400 लेबर आज की डेट में हमारे डेडिकेटेड इस साइट पे काम कर रही है और रेगुलरली इस पे काम चलता है। रेगुलरली काम होती है जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है जी। तो अभी हम आपको एक्लेम राइट दिखाएंगे, फिर हमने एक सैंपल बनाया हुआ है एक्लेम सेंटर के अंदर टू बेडरूम का नई स्पेसिफिकेशन के साथ, तो हम वो दिखाना चाहेंगे और वहां से आपको बताएंगे कि हमने क्या एडवांसमेंट की है फेज वन से जो फेज टू में आई है। ऑल राइट। तो एक बार चलते हैं एक्लेम राइट के अंदर जी। और एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो टारगेट है कि आपने अगस्त 2023 का टारगेट ले लिया, दिसंबर से चार महीने पहले कर लिया है, तो ये जो आपका वर्कफोर्स है 400 लेबर का 380 लेबर के आसपास, क्योंकि फिनिशिंग में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और फिनिशिंग में भी बहुत सारे मैन पावर की डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये एडिक्वेट है 400 लेबर? देखिए आप समझिए आपने सुपर स्ट्रक्चर चारों टावर कंप्लीट कर ही लिया है जी। जब क्या होता है हर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम की लेबर चाहिए होती है। राइट। तो आज की डेट में हमको कारपेंटर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो प्लंबिंग का काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। ओके। तो हम जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसको कम करके प्लंबिंग का स्टाफ और जो चार रिक्वायरमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं। ऑल राइट। तो 300 से 400 लेबर मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है टाइमली डिलीवर करने के लिए एज पर द स्टिपुलेटेड टाइम। जो टाइम भी काफी है अभी आपके? हाँ जी काफी टाइम है, मेरे ख्याल से हम उससे पहले ही कर देंगे। हमारी डेडलाइन है हम मार्च में ओसी अप्लाई करेंगे पूरे प्रोजेक्ट का। ओके। तो मार्च में अप्लाई करेंगे, उसके बाद भी मार्च 2024 उसके बाद भी हम चार से पांच महीने ले रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि चार से पांच महीने लगेंगे ओसी आने में, तब हमने अगस्त की डेडलाइन दे रहे हैं। हमारी तो एज पर इंटरनल एक्सपेक्टेशन उससे भी पहले की है। ओके। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई गलत कमिटमेंट हो, इसलिए हम अगस्त का टाइम दिया जा रहा है। ओके। एक चीज और इस एरिया के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जो ग्रीन एरिया होने वाला है, इसमें एक्टिविटी कब से शुरू होगी? क्योंकि जब रेसिडेंट आए और तब आप अगर कोई प्लांट लगा रहे वो तो बहुत छोटा होगा, इतना ग्रीन नहीं लगेगा। ओसी आएगा ही नहीं, जो हमने ब्रोशर पे या हमने जो जीएफसी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें जो दिया हुआ है वो सारी चीजों का इंस्पेक्शन होता है। ओके। वो चीजें जो हमें बोली गई है वो अगर होंगे तभी हमको ओसी मिलेगा। ओके। तो जो हम स्पोर्ट्स एमिनिटीज बोल रहे हैं, जो हम लैंडस्केपिंग बोल रहे हैं, जो हम लिफ्ट बोल रहे हैं, जो भी चीज हमने बोली है जी, वो सारी की सारी पोजेशन से पहले हमको देनी पड़ेगी और वो चेक होगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा था, ये तो मैं समझ गया ओसी से पहले जो चेकलिस्ट आता है वो सारी चीज आपको कम्प्लीट करने हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए अगस्त 2023 में लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया और उससे एक महीने पहले आपने कोई प्लांटेशन करना शुरू किया, तो वो प्लांट्स ये सब जो हॉर्टिकल्चर काम है वो तो बहुत छोटा होगा, जो ग्रास आप लगाएंगे वो भी बहुत हरा नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, तो जैसा फेज वन में एकदम क्लीन लुक आता है वो लुक फेज टू में शायद ना हो उस टाइम, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लैंडस्केपिंग का काम आपका इसी साल से शुरू कर रहे हैं। ओके। हमारी डेडलाइन ये है कि जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा जी, हम बेसमेंट का काम और लैंडस्केपिंग का काम में ही आएंगे। ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय नवंबर और मैक्सिमम दिसंबर ऑफ दिस ईयर 2023 में ही काम शुरू कर दें, ताकि जब तक हम पोजेशन दें अगले साल आठ महीने बाद, आठ महीने में जो पेड़ हमने लगाए हैं दिसंबर में वो बड़े हो जाएं, ग्रीन हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ताकि दिक्कत ना आए, जैसा आपको कंसर्न था कि जो आपने व्यू अब देखा पेड़ों का वैसा ही व्यू आपको सेकंड फेज में मिलेगा। सो जब मैं इसका थर्ड रिव्यू बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट का, बिल्कुल, तो ये सब चीजें क्लीन दिखेंगी, आपको बिल्कुल हरे भरे पेड़ के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो एक बार चलते हैं एक्लेम राइट के इसमें आपको दिखाने के लिए। अब एक चीज और, क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल तो आपने बता दिया कि क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस स्टेज में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, बट मुझे किसी सिविल इंजीनियर से भी डिस्कशन करना होगा जो आपके कंपनी के को रिप्रेजेंट करते हो, जिनसे हम ये जाने कि एक्चुअली में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं फेज वन में भी और फेज टू में, जिसमें जो इशू आया था, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वैसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो। देखिए प्रखर जी, यही आपकी खासियत है कि आप बायस नहीं है कि एक सेल्स वाले की बात सुन लें और सही यही वीडियो बना दें, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि हम अपने जो टेक्निकल यहाँ पे हेड हैं जी मिस्टर समीर, ओके, उनको आपको इंट्रोड्यूस कराएं, आप उनसे बात करें, वो आपको बताएं कि हमने सेकंड फेज में क्या चेंजेस करे हैं क्योंकि फर्स्ट फेज में नहीं थे और क्या एडवांसमेंट हुई है। ठीक है। मिलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे समीर जी हैं जो हमारे यहाँ टेक्निकल इंचार्ज हैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, तो आप इनसे टेक्निकल जो भी सवाल पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं अनफिल्टर्ड। ठीक है समीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें फेज वन से फेज टू कैसे इम्प्रोवाइज किया है आपने, और जो फेज वन में अगर कुछ इशू आपने आइडेंटिफाई किया या जो आपको रेसिडेंट के फीडबैक मिले उसके ऊपर आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स किया है,
ये सब कुछ आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे। बेसिकली सर इम्प्रूवमेंट बहुत हुए हैं इसमें। फेज वन में जो हमने लाइम बेस्ड ब्रिक यूज़ की थी जी, बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, तो वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं टोटली यहाँ पे। ओके वो हमने सीमेंट बेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ऑलराइट। और जिसकी स्ट्रेंथ जो नॉर्मली ब्रिक्स है उससे भी कहीं ज़्यादा है। ओके तो वो क्वालिटी वाइज हमारा इम्प्रूवमेंट है जी। बेसिकली जो जो यूपीवीसी डोर विंडो का जो इशू आया था उस वो एज ए लेमैन मैं अगर उसको विजुलाइज करूंगा तो वो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत ही कुछ कम खामियां थी उसमें या इंस्टॉलेशन गलत हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन का जैसे अगर मैं देखता हूं तो उस दिन साइक्लोन टाइप का आया था जिसकी वजह से हमारा वो फ्रेम निकल गया था, उखड़ गया था, निकल गया था। और उसमें हमने जो ऑब्जर्व किया उसके बाद हमने उसको रिलोकेट किया। बेसिकली वो फेस पे लगी थी हमारी विंडोज जो डोर्स थे उसको हमने सेंटर कर दिया है, जो कि फेज वन में भी ऑलमोस्ट हमने 90% लोगों का रिलोकेट कर दिया है। ओके और फेज टू में तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट डे से ही कर ही रहे हैं जी, तो उसमें क्वालिटी वाइज भी हमारा बहुत इम्प्रूव। समीर जी मुझे एक चीज बताइए कि जो विंड प्रेशर है कितना विंड प्रेशर अब आपके विंडोज झेल पाएंगे यहाँ पे? बेसिकली सर इसमें जो डिजाइन करा गया है तो दिल्ली एनसीआर का जो इतना भी वर्स्ट अगर वेदर कंडीशन है जी उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी प्रीवियस डेटा जो होती है उसके हिसाब से लेते हुए उसको एक्सट्रीम पे डिजाइन किया हुआ है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे विंड प्रेशर की, क्योंकि अरावलीज भी है, सब चीजें देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एज एक तरह से साइक्लोन बन जाता है, छोटी सी हवा भी काफी स्पीड में बन जाती है, तो इसलिए वो सारा डिजाइन को रखते हुए। और जो आपने लास्ट 2.5 साल पहले या 2.25 साल पहले जो चेंजेस किए थे अपने फेज वन में, यस सर, यहाँ वाले फेज में, यस सर, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? नहीं, नो सर, नो नो, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट था, कोई बात है जिसका नाम होता है वो बदनाम भी होता है, तो बेसिकली उसके बाद हमारा कुछ नहीं हुआ है और इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। अगर हम देखें जो क्लाइंट हमारे विजिट करते रहते हैं जी, तो वो खुद विजुलाइज करते हैं, इवन की ले मैन भी विजुलाइज कर रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था, बट वो एक इंसिडेंट होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं होते, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सारा काम वैसे ही किया हुआ है सर, लेबर से ही होता है, तो क्वालिटी वाइज कोई आप नो कॉम्प्रोमाइज है। सो वैसा कोई इशू अब यहाँ पे नहीं आएगा, ये पूरे प्रोजेक्ट में ही कहीं नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए प्रखर जी, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप समझिए कई जगहों पे नेचुरल कैलेमिटी आती है, उसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। आप समझिए अर्थक्वेक आया, रोड धस जाती है, राइट, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग का वो प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन हाँ आपकी बात फिर भी मैं ऊपर रखते हुए कि एज अ लेमैन जो कंस्ट्रक्शन नया प्रोडक्ट ले रहा है, हमने हर चीज का ध्यान रखा गया है, जितना मैक्सिमम स्पीड की विंड यहाँ पे होनी चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए उस स्ट्रेंथ की हमने यहाँ विंडो लगाई है। ऑलराइट। और क्योंकि गुड़गांव दिल्ली एनसीआर जो है वो सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है जी, और तो क्या ये प्रोजेक्ट सेस्मिक जोन 4 कंप्लायंट है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं सब कंप्लायंस होते हैं, ये तो गवर्नमेंट का भी एक वो होता है, वो गवर्नमेंट को भी हम जब सबमिट करते हैं प्लान तो सारा हमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट वगैरह सब देने पड़ते हैं, और कंप्लायंस होना ही पड़ता है सर, गवर्नमेंट भी इस पर काफी ज्यादा एग्रेसिव है क्वालिटी को लेकर। सीपेज मैं जो आपकी बाकी बिल्डिंग देख रहा हूँ, मतलब फेज वन की बिल्डिंग देख रहा हूँ, उससे मुझे कहीं पे चिपिंग नहीं दिखी कि कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा है, कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिखे, कहीं पे मुझे सीपेज भी नहीं दिखा। यस सर, यस सर। ऐसे ही कुछ यहाँ पे आप रिपीट करेंगे उससे और बेटर होगा, और ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से सीपेज नहीं आता है आपके बिल्डिंग्स में? बेसिकली सर सीपेज के कारण होते हैं प्लम्बिंग इश्यूज होते हैं, अगर कहीं भी सुपरविजन लैक होगा जी तो वहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई पाइप लेइंग करते समय पाइप डैमेज हो गया है, वो हो गया, वो सीपेज का कारण रहता है, बाकी मटेरियल सब A1 क्लास का यूज होता है यहाँ पे, सारी जितनी भी एसेसरीज हैं, जितने भी फिटिंग्स हैं, वो सारी जगुआर से लेके सब चीज़, मतलब कोई भी ब्रांड के साथ या क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और यहाँ पे बेटरमेंट में जा रहे हैं, सुपरविजन और बढ़ा दिया हमने क्योंकि कुछ ना कुछ सीखता ही इंसान उससे जी, लेकिन क्वालिटी बेटर ही मिलेगी सर फेज टू में। लास्ट आपसे एक सवाल, मतलब एक बहुत बड़ा ये टाउनशिप जैसा ही बन रहा है ये पूरा रेजिडेंशियल सोसाइटी, इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, यस सर, किस फ्लैट में कितना प्लम्बिंग हो गया या वो प्लम्बिंग जो हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है, ये सब चीज़ों को आप कैसे वेरीफाई करते हैं? बेसिकली हमारी कंपनी सर ISO 9001 सर्टिफाइड है जी, तो 2015, तो उसमें सारी चेकलिस्ट होती है ISO की तरह, अभी रिसेंटली हमारी ऑडिट भी हुई है, सर्वलांस ऑडिट होती है, तो ISO सर्टिफिकेट भी है हमारे पास जी, तो उसमें सर सारी चेकलिस्ट होती है, इवन कि एक एक फ्लैट में कितना प्लम्बिंग हो गया है, कितना हो गया है, और हमें मैनेजमेंट को वो वीकली भेजना भी होता है सर। ओके, तो वो हम सर मैंने इनके साथ भी शेयर करते हैं सेल्स टीम के, क्योंकि हर कोई अब रेरा आने के बाद सर हर कोई जागरूक हो गया है, हर चीज़ को पल पल की वो चीज़ होती है, और मतलब क्वार्टरली वीकली मंथली ये सारी डिटेल जाती है, तो हर
जो हमारा एम्प्लॉई है सबके पास पूरा डिटेल है कि कौन से फ्लैट में क्या हो रहा है और पूरा सुपरविजन के साथ। बट ये सुपरविजन करता कौन है, आप अकेले जाके सारे में करते हैं? हमारे सब, मैं एज ए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ जी, नीचे हमारी टीम है सर। ओके। और नीचे सर सब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर, उनके स्टाफ है। ऑलराइट। बेसिकली पहले वो उनका स्टाफ देखता है उस चीज को, फिर वो चेकलिस्ट पर्टिकुलर एक एक फ्लैट में जाके एक जगह जाके चेक करते हैं। तो आपकी इन हाउस टीम जो है सिविल की, वो जाकर एक एक चीज को रीवेरीफाई करती है कॉन्ट्रैक्टर से, जब वेरीफाई होके आता है तो बेसिकली। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है। उसमें हमारा भी सुपरविजन रहता है जी, रैंडमली। ठीक है। तो बेसिकली प्रखर जी, अब आते दोबारा से कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये हमारा लास्ट टावर है जी, इसका नाम है एक्लेम राइट। Alright. जब लास्ट टाइम आए थे तो ये सेकंड फ्लोर तक था, आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डन है, एक साल में आपने बना दिया पूरा नीचे सुपर। इसके अंदर ब्रिक वर्क वगैरह भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। राइट। अब इसमें एक्सटर्नल प्लास्टर और इंटरनल प्लास्टर का काम शुरू होने वाला है जी। प्लस मैंने जैसा को बताया था कि फ्लोरिंग वोरिंग का काम भी हम शुरू करेंगे साइड बाय साइड। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो हमारे चारों टावर हैं वो बेसिकली टोटली वेंटिलेटेड टावर है जिसमें प्रॉपर सनलाइट आती है। राइट। बिकॉज सामने आपका ईस्ट पड़ता है, इस तरफ साउथ है, तो सारा का सन का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे टर्न होता है, तो हमारे सारे अपार्टमेंट्स के अंदर प्रॉपर सनलाइट आती है। सो ऑलमोस्ट सारे अपार्टमेंट्स आपके खुले खुले भी हैं। राइट। और प्रॉपरली वेंटिलेटेड के अपार्टमेंट्स हैं। आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एमपी थिएटर आएगा, ये जो पूरा अभी ये पूरा जो एरिया वाला ढेर दिख रहा है जी, यहाँ पे एमपी थिएटर आ जाएगा और ये पूरा ग्रीन पार्ट का पार्ट रहेगा। इसका मतलब है देखिए, ये जो सामने आपको फेज वन का बिल्डिंग दिख रहा है ये, और ये EWS, और ये सामने ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, और प्रेस्टीज 2 जो लास्ट वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये इतना बड़ा स्पेस जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन एरिया होने वाला है 1.5 एकर्स का। बिल्कुल। आप इसमें आप ड्रोन शूट करेंगे तो आपको विजुलाइज होगा कि एक्चुअल में कितना बड़ा एरिया है ये। जी जी। राइट। तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ड्रोन शूट से पूरा क्लियर आइडिया मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा कितना हम ग्रीन एरिया दे रहे हैं। ओके। अब मैं चाहूंगा कि हमने कुछ सैंपल रेडी किए हैं 2 BHK के और 2 बेडरूम स्टडी के, एज पर न्यू कंस्ट्रक्शन, एज पर न्यू स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट। आप एक बार उसको भी देखें और उसका भी छोटा सा व्यू लें। ठीक है, वो भी मैं चलता हूँ देखने। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कई बार ये देखा गया है कि बारिश के टाइम पे, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट सही से जॉइंट नहीं किया जाता है, जो भी सिविल वाली टीम होती है अगर वो कहीं से उसे उनसे मिस आउट हो गया तो बेसमेंट में पानी चला जाता है बारिश के टाइम पे, क्या ऐसा कोई इंसिडेंट बेसमेंट में यहाँ पे हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, अदरवाइज वीडियो वो भी आ जाता। बिल्कुल। बट हम फ्यूचर में ऐसा ना हो कि एक्सपेंशन जॉइंट के थ्रू पानी रिस्क कर नीचे जाए बेसमेंट में, ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या प्रोविजंस कर रहे हैं? सर बेसिकली जो फेज वन का प्रोसीजर है, फेज वन का जो प्रोसीजर है वही हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज क्या है, जहाँ जो चीज़ें सही चल रही हैं, जहाँ हमारा कोई कंप्लेंट ही नहीं है, तो हम उसी को करेंगे और बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसका, तो कोई दिक्कत नहीं आती है एक्सपेंशन जॉइंट में। बिकॉज हमारी टेक्निकल, एज ए टेक्निकल हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना ही है जी, उसको ट्रीट करने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, जो कि बेस्ट हुआ है वहाँ पे फेज वन में, आप जैसा कि आपने कहा, तो यहाँ पे भी वही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। तो एक बार वो सैंपल देके चलते हैं, सैंपल दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं एक्लेम सेंटर के टावर में जी। ये नया लॉबी एरिया है। ओके। पूरा लॉबी एरिया है जिसमें ये दो लिफ्ट स्पेस दिए हुए हैं, एक सर्विस लिफ्ट है और एक आपके पर्सनल लिफ्ट है। ऑलराइट। तो एक टावर के लिए दो लिफ्ट है यहाँ पे। हाँ जी। ये हाई स्पीड लिफ्ट होगी? हाई स्पीड लिफ्ट होती है जो आपके रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव्ड होती है। ऑलराइट। इसमें दो स्टेयर केस है, एक स्टेयर केस आपके एडजेसेंट है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, ये जहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, और एक आपका उस तरफ है वहां से जैसे भी हम आए। ओके। दो स्टेयर केस है, 6 अपार्टमेंट है हर फ्लोर पे। ऑलराइट। जैसा कि हमारा फेज वन में है, जिसमें से 4 अपार्टमेंट आपके 2 BHK के हैं और 2 अपार्टमेंट उस तरफ आपके 2 बेडरूम स्टडी के हैं। ओके। तो और मैं ये भी देख रहा हूँ कि फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स भी आपने लगा दिए। ऑलरेडी लगा हुआ है, यही हम दिखाना चाहते हैं कि काफी एडवांस स्टेज में हम कंस्ट्रक्शन के आ चुके हैं जी। टाइलिंग वेलिंग का काम ऑलरेडी कई फ्लोर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलराइट। हमने एक सैंपल बनाया हुआ है 2 BHK का, जिसका एरिया 1269 स्क्वायर फीट है। ऑलराइट। चाहेंगे उसका सैंपल भी आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सैंपल अपार्टमेंट है, ये मेन एंट्रेंस रहेगी। ओके। ये मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं ये टाइलिंग है। सबसे पहला चेंज हमने टाइलिंग में ही किया है। ओके। जो पहले टाइलिंग लगाई थी वो हमने 2x2 की लगाई थी। ऑलराइट। इसके अंदर हमने 2x4 की टाइलिंग लगाई थी, बड़े टाइल्स हैं, बड़े टाइल्स लगाए हैं। तो ये पहला चेंजेस है। इसके बाद हमने जो आपका सारे के सारे लिफ्ट एरिया है, बालकनी एरिया, इसके अंदर की टाइलिंग भी सारी चेंज करी गई है। मैं पहले ये ऐड करना चाहूंगा कि सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल लाइट है, कहीं से लाइट ऑन नहीं है। इनफैक्ट बालकनी को भी कवर किया हुआ है तो लाइट प्रॉपरली एंटर भी नहीं कर पा रही है, फिर भी इट्स प्रॉपरली लिट अप। हम 5 बजे खड़े हैं तब भी लाइट प्रॉपर आ रही है जी। इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 4:30 हुआ है और फिर भी लाइट प्रॉपर है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, जो बालकनीज है विद टाइम वो स्टैक कर जाती है, मतलब जो ऊपर वाली बालकनी है, ये तो ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर वाली बालकनी जो है वो धीरे धीरे करके
टिल्ट होने लगती है हल्की हल्की बिकॉज ऑफ वेट. इसके लिए हमने क्या प्रोविजन किया है कि बालकनी में क्या हमने एक्स्ट्रा बीम डाला है? इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा बीम्स की लोडिंग दे रखी गई है. ओके. और एक बीम का लोडिंग हमने उस तरह दिए ताकि ये जॉइंट ना करे, दबे ना. ओके. ये एक्स्ट्रा पे हमने जो है क्वालिटी इश्यूज लिए गए हैं, क्वालिटी पे स्ट्रेस दिया गया है ताकि हमारे जो आपने सही कहा, कई टावरों में ऐसे प्रोडक्टों में ऐसा होता है कि जो आपकी बालकनी के वो होते हैं रेम्स होते हैं वो झुक जाते हैं जी, ये झुकेंगे नहीं. इसमें हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया गया है. ठीक है. So, ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया हो गया. डाइनिंग हो गया. ये आपका किचन हो गई. किचन के अंदर भी जो पहला स्लैब था वो ऑरेंज कलर का हमने दिया था जी, एक ग्रेनाइट स्लैब है, इसमें हमने कलर चेंज कर दिया गया है. ओके. और फिर आपकी यूटिलिटी बालकनी आ गई. पहले जो टाइलिंग्स थी हमारी जो बालकनीज की वो ऑरेंज कलर की थी, वो भी हमने चेंज करके नॉर्मल सिरेमिक कलर की कर दी. ज्यादा बेटर है, ब्राइट लगती है जी. तो ये हमने चेंजेस इसमें भी किए हैं राइट. और यहाँ से ये वाला जो व्यू है, खैर यहाँ पे अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है क्योंकि नेट लगा हुआ है, बट यहीं से अरावली रेंज का व्यू दिखता है. बिल्कुल, पूरा टावर यहाँ से अरावली दिखता है. अरावली पूरी 360-270 डिग्री में घूम जाती है यहाँ पे. यहाँ से जाते हुए पीछे तक जाती है जी. तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट को यही व्यू मिलेगा. तो जो लोगों के लिए यहाँ के लिए आते हैं व्यू के लिए, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट और ये यूनिट्स बहुत बढ़िया है जी. और ये किचन कितने साइज का है? ये 9x8 का किचन है, 2 BHK के अंदर, 9 feet by 8 feet. ऑल राइट. तो ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग हो गया. हम चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ. ये हमारा पहला बेडरूम है. ये 15x12 स्क्वायर फीट का बेडरूम है. 15 feet by 12 feet. यस. और ये अटैच वॉशरूम आ गया और आपकी बालकनी आ गई. ओके. तो तीन बालकनी हम देख चुके हैं अभी तक. हाँ जी. और ये 2.5 BHK. 2 BHK है ये. ओके. और ये इसका सेकेंड बेडरूम आ जाता है. मैं एक बार वॉशरूम दिखा दूं. वॉशरूम में जो फिटिंग है ये सेम फिटिंग हमें मिलेगा? हाँ जी, सीपी फिटिंग वगैरह सारी लगा के देंगे. ओके. ये आपका कॉमन वॉशरूम हो गया, गेस्ट वॉशरूम कह सकते हैं इसको आप जी. ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया. अगेन 15x12 स्क्वायर फीट का बेडरूम है विद अटैच बालकनी. मतलब टोटल चार बालकनीज हो गई. चार बालकनीज दी. 2 BHK में फोर बालकनीज दी है ताकि प्रॉपरली वेंटिलेटेड अपार्टमेंट रहे. जैसे आई थिंक तीन जगह से फेसिंग है ये बालकनी. बिल्कुल, आप देख सकते हैं तीन डिफरेंट व्यू आपको मिले बालकनी से, तो इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेटेड है. और ये किड्स बेडरूम कितने साइज का है? ये 15x12 स्क्वायर फीट का बेडरूम है. तो कोई भी रूम हमने छोटा नहीं बनाया, 10x10 का नहीं बनाया, 11x12 का नहीं बनाया जी. सारे पे 15x12 के हैं. और फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी है यहाँ पे? 9.78 फीट की हाइट है. लगभग 10 फीट की. 10 फीट की है. सुपर. एंड इसमें भी आपने बड़े वाले टाइल्स यूज किए? वही 2x4 के टाइल्स लगे हैं जी. एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा जी. सेकंड फेज के अंदर हम मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं. ओके. जो हमने फर्स्ट फेज में नहीं दिया था. ऑल राइट. हम पूरी मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं हॉब एंड चिमनी के साथ. ओके. अभी हमने यहाँ रेडी नहीं करा है, वो भी हम 15-20 में रेडी कर देंगे. तो हर अपार्टमेंट के साथ यहाँ पे मॉड्यूलर किचन भी मिल रही है, जो कि सेकंड फेज में पहले फेज से एडवांसमेंट करी गई है. ऑल राइट. ये हमने 2 BHK देख लिया. ये हमने 2 BHK देख लिया. कोई और भी आप दिखाना चाहते हैं? मैं आपको कोशिश करूंगा 2-bedroom स्टडी भी दिखा दूं. हालांकि अब हमारे पास जो इन्वेंट्री बची है जी, वो सिर्फ 2 BHK की बची है. ऑलराइट. तो किसी को भी 2 BHK आज की डेट में हम जो प्राइस कोट करते हैं वो 92 lakhs प्लस GST कोट करते हैं. ओके. तो 2 BHK का हमारे पास 65 इन्वेंट्री ही हमारे पास लास्ट बची है. अगर कोई ये वीडियो देखकर आपके पास आ रहा है और मेरा रेफरेंस दे रहा है या हमारे थ्रू आ रहा है, उनको कुछ स्पेशल मिलेगा? बिल्कुल, आपका नाम लेते हुए कोई भी आएगा, कोई भी आपका रेफरेंस देगा, हम उसको एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे. जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है हमारा, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को दिया जाता है. तो कोई भी आपका रेफरेंस लेके आएगा तो डिस्काउंट हम उसको पास करेंगे. ऑल राइट. तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके अपने साइट विजिट को प्लान कर सकते हैं. बिल्कुल सर. अब ये वाला आप फ्लैट देखिए, और इसमें भी नेचुरल लाइट है. हम फर्स्ट फ्लोर में है, और क्योंकि इसमें अभी शेड्स नहीं लगे हैं बाहर, तो ये ओपन है. नेचुरल लाइट देखिए, सन यहाँ से सन का डायरेक्शन चेंज है, लेकिन नेचुरल लाइट काफ़ी ज़्यादा है. आपने मुझे सर बताया था समीर जी कि आपने जो चेंजेस किए हैं अपने विंडोज में, UPVC पैनल्स में, जिसके वजह से अब आगे ऐसा इशू नहीं होगा और ज़्यादा विंड प्रेशर को झेल पाएंगे, वो क्या है? बेसिकली सर, प्रीवियसली क्या हुआ, हमने जो विंडो का प्लेसमेंट किया था वो इस फेस पे किया था, बिल्कुल फेस पे. ओके. मतलब ताकि लुक अच्छा लगे. वो हमारा डिसीजन थोड़ा सा गलत तो नहीं कहेंगे, वो कुछ ऐसा सिनेरियो बना के वो हो गया, लेकिन अब हमने ये सेंटर पे किया है
तो बेसिकली इसको दोनों तरफ से उसकी होल्डिंग प्रॉपर मिल रही है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे ये वॉल मिल रहा है, यस सर, यस सर, बीच में फिर फ्रेम और ये फिर दूसरा वॉल मिल रहा है, यस सर। पहले हमने ये सारा यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा था। ओके, ऑब्वियसली कुछ वेंटिंग प्रेशर झेल नहीं पाया था जी, तो अब ये सेंटर में है और वहाँ पे भी हमने रिलोकेट कर दिए सारे। ओके, उसको वो तो मुझे पता है कि आपने सब सारे अपार्टमेंट्स में ये चीज चेंज करवा दी है। यस सर, यस सर। अब क्योंकि आपने इसको बीच में कर दिया है तो आपका फ्रेम तो नहीं उखड़ेगा, नहीं, लेकिन ग्लास अगर टूट गया विंड के प्रेशर से तो कोई ग्लास नहीं उखड़ेगा सर, ग्लास का तो वहां पे भी कोई वो नहीं आता। जब चीज कभी उखड़ती है तो उसके साथ साथ वो दूसरे चीज को भी डैमेज करती है, तो अब जब कुछ होगा ही नहीं तो मतलब ये नहीं उखड़ेगा नहीं, तो इसका ग्लास का भी कोई इशू, ग्लास का तो कोई इशू आया ही नहीं सर अभी तक। ओके, और क्योंकि अब मैं बालकनी में हूँ तो एक चीज और मैं देखूंगा आशीष जी की जो बालकनी की हाइट है रेलिंग की, मैं लगभग 6 फीट का हूँ और मेरे चेस्ट तक ही आ रहा है। आप एक बार यहाँ पे स्टैंड होंगे, अपनी आपकी हाइट भी लगभग 6 फीट से ज्यादा ही है, ये 4 फीट के आसपास की आपकी हाइट है इसकी जी, रेलिंग की। तो बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है, बिल्कुल सेफ, उसी प्रोजे के रखी है ताकि कोई बच्चा जंप ना कर सके, उसकी हाइट को मद्देनजर रखे, ये 4 फीट तक की रखी गई है। ओके, सुपर। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं सामने, अब पूरा ग्रीन एरिया है, ये पूरा ग्रीन एरिया है और यहाँ पे एम्पी थिएटर होगा, इस तरह एम्पी थिएटर होगा सामने, बिल्कुल ठीक जी, वेरी गुड। अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब हम आपको चलते हैं क्लब हाउस दिखाने के लिए, क्लब हाउस एक बार दोबारा देखिएगा, प्लस वहाँ पे हमारे कुछ रेजिडेंट हैं, उनसे आप मिलिएगा, रैंडमली आप बात करिएगा, कोई भी आपके कंसर्न हो ताकि आपकी वीडियो पूरी अनबायस रहे, उनसे भी फीडबैक लीजिएगा कि क्या चेंजेस। मैं बिल्कुल मिलने वाला, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन साइट है तो उनका आना अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे आई थिंक शाम हो चुके हैं, अब 4:30-5:45 हो गए, तो लोग वहाँ मिलेंगे। साइड बाय साइड में अपनी मेंटेनेंस टीम जो हमारा मेंटेनेंस देखती है कि मेंटेनेंस हमने क्या चेंजेस करे, उनसे भी मिलवाना चाहूंगा। ठीक है, एक बार चलते जी। आशीष जी, अब क्या नेक्स्ट? तो प्रखर जी, हम वापस आ गए हैं अपने फेज वन में जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी मेंटेनेंस टीम से मिलवाना चाहूंगा, आपने प्रोजेक्ट टीम का व्यू लिया जी, एक बार अपनी मेंटेनेंस टीम का भी व्यू लीजिए, आपके जो भी कंसर्न है आप पूछ सकते हैं, क्वेरी जो भी आपकी उनसे पूछ सकते हैं। मिस्टर मंजीत जी है हमारा मेंटेनेंस केयर टेकर। हाय मंजीत जी। हेलो जी। सर, सबसे ज्यादा कस्टमर को आप फेस करते होंगे यहाँ पे? जी हाँ। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें UPVC फ्रेम जो है वो उखड़ गया था जी हाँ, और उसके बाद इश्यूज आए थे जो कि सिविल इंजीनियरिंग टीम ने आपकी फिक्स कर दी जी। इसके बाद क्या कोई आपको मेंटेनेंस में कंप्लेन आई इस चीज की, या यहाँ मैं जो बाहर से देख सकता हूँ मुझे सीपेज ये सब के इश्यूज नहीं दिखे, मुझे प्लास्टर चिपिंग के इश्यूज नहीं दिखे जी, बट क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं, अभी मैं रेसिडेंट से भी फीडबैक लूंगा, बट आप क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस देखते हैं, फ्रंट फेसिंग टीम आप ही हैं जो कस्टमर्स को देखते हैं, आपका क्या फीडबैक है सर? जी, मेरा फीडबैक ये है कि वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जी, जो हमने भी प्रिज्यूम नहीं किया था, लेकिन कुछ फ्लैट्स में वैसी शिकायत आई थी जी। उसके बाद में मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको अक्रॉस द प्रोजेक्ट सभी पे हम एक करेक्टिव मेजर लेंगे जी, और उसके दौरान सभी के सभी फ्लैट्स के जो डोर रिलोकेशन वर्क था वो हमने करवाया है। ओके, और उसके बाद एज सच ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमारे पास में। कोई रेसिडेंट शिकायत करते हैं कि सीपेज का इशू है या सिक्योरिटी का इशू है या हॉर्टिकल्चर का काम? मैं हॉर्टिकल्चर देख रहा हूँ, बहुत ही नीट एंड टाइडी है ये। हॉर्टिकल्चर की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये हमारी USP है जी। जहाँ तक सीपेज की बात करें, हाँ कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, तो उनके जो रूट कॉज होते हैं बेसिकली जो इंटरनल मेंटेनेंस है जी, जो एक इंडिविजुअल का होता है टाइम टू टाइम जो करना चाहिए, वो एक कारण हो सकता है जी, वो कंस्ट्रक्शन के इश्यूज के कारण नहीं होता। हाँ, बाहर से तो मुझे कहीं पे भी कोई सीपेज नहीं दिख रहा है। हाँ, बाहर से मैं वही बताया, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, जो आइसोलेटेड कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो अंदर बाथरूम वॉशरूम के अंदर केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, उसके कारण जो जनरेट होती है वो वाली होती है, इवन हम उनको रेक्टिफाई कर देते हैं। ऐसी कोई कंप्लेंट आई सर जहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में क्योंकि सबसे वेट एरिया वॉशरूम ही होता है जहाँ पे पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या बालकनी हो गया जहाँ पे कपड़े उपड़े धुलते होंगे, या यूटिलिटी बालकनी हो गई, तो वहाँ पे जो आपका पानी का फ्लो है, अगर फर्श पे पानी फ्लोर पे पानी गिर रहा है तो उसका फ्लो क्या ड्रेन की तरफ जा रहा है? ऐसी कोई कंप्लेंट आती है बाद में कि ड्रेन की तरफ नहीं जा रहा है, पानी रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया? स्टार्टिंग में हैंडओवर के समय कुछ ऐसी कंप्लेंट जो हम रिसीव करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं जो, तो वो टाइम सेम उसी समय पे वो ठीक हो जाती है। तो जब वो ठीक करते हैं तो उसके बाद थ्रू आउट द ईयर आती है? नहीं, उसके बाद नहीं आती है। उसके बाद नहीं आती। हैंडओवर के समय हम उनको बताते हैं कि अपना स्लोप चेक कर सकते हैं जी, और कभी कोई यदि शिकायत आती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। और हैंडओवर भी आपकी टीम ही कराती है? हैंडओवर प्रोजेक्ट की टीम करती है। ओके, आपसे ये जानना चाहूंगा, जब हैंडओवर होता है किसी प्रोजेक्ट का तो वो कितना बड़ा चेकलिस्ट है, क्योंकि ISO 900 सर्टिफाइड आपकी कंपनी है, तो आपने बताया था कि बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है, वो कितनी बड़ी चेकलिस्ट होती है जिसको आप चेक करते हैं? देखिए, अगर आपको पूरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए अपने समीर जी को दोबारा बुलाना चाहूंगा, वो आपको बता सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि हम अपने रेजिडेंट्स को जी फ्लैट लेने से पहले पूरी फ्लैट की इंस्पेक्शन करवाते हैं, उनके जो भी कंसर्न होते हैं वो नोट किए जाते हैं, वो रेक्टिफाई किए जाते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, और आप ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। ओके, अंटिल एंड अनलेस हमारा रेजिडेंट हमारे सर्विसेज से खुश नहीं है। मान लीजिए कि मैंने घर लिया यहाँ पे और मैं फर्स्ट को मूव कर गया, मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे कुछ
गलत नहीं लगा और मैंने ले लिया, रहने के बाद मुझे एक आध छोटे मोटे इश्यूज नजर आए, तो क्या उसके लिए आप रेसिडेंट से पैसे चार्ज करते हैं उसको फिक्स करने के लिए? या कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे पोजेशन देने के बाद भी कोई भी कंसर्न आते हैं, देखिए यही हमारी बॉन्डिंग है रेजिडेंट्स के साथ, छोटे मोटे इश्यूज तो हम वर्ड ऑफ माउथ पे ही क्लियर कर देते हैं। ओके, अंडरनल अनलेस कोई रिपेयर का इशू हो जिसमें कॉस्टिंग लग रही हो या प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ जी, छोटे मोटे कंसर्न जो होते हैं वो फैसिलिटी टीम प्रोजेक्ट टीम खुद लग के कर देती है, प्लस कई बार तो हम आगे बढ़ के थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं रेजिडेंट्स की, हम उसमें भी आगे रहते हैं, तो ऐसे कोई कंसर्न अभी रेजिडेंट ने हमारे कभी फेस नहीं हुए हैं, बल्कि रेजिडेंट्स की हमारी तारीफ ही आई है कि फैसिलिटी टीम ने और प्रोजेक्ट टीम ने काम बढ़ के किया है जितने हमें एक्सपेक्ट। अभी जब आपके मैं रेजिडेंट से बात करूंगा तो उनके फीडबैक जो मिलेगी उसके बाद मैं आपको बिलीव करूंगा। देखिए मैं यही चाहूंगा कि आपकी पूरी वीडियो अनबायस रहती है हमेशा, क्योंकि कई बार जब वीडियोस बनाते हैं बाकी लोग वो यही चाहते हैं कि सेल्स वालों का एक पर्सपेक्टिव लिया जाए, उससे सेल्स बढ़ाई जाए, बिल्कुल गलत है वो, गलत है। देखिए आपने अपने क्लाइंट्स को मेंटेन करना है प्लस आगे अच्छी चीज देनी है, तो आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग चीजें लेते हैं जी। इसीलिए मैंने अपनी टेक्निकल टीम को भी आपसे मिलवाया है, इसीलिए हमने आपको मंडी मेंटेनेंस टीम से भी मिलवाया जी। और लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी वांट कि आप हमें रेजिडेंट से भी मिले, बट रेसिडेंट से आप नहीं मिलवाएंगे, वो मैं खुद रैंडमली मिली है, आप उनसे फीडबैक लीजिए, जो फीडबैक दीजिए वही फीडबैक अपनी वीडियो में आप डालिए, ताकि हम चाहें कि टोटली अनबायस वीडियो रहे, उसके बाद प्रॉपर हमारे पर रिस्पांस आएगा जी। तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं उसके भी इस वीडियो के बाद। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाय मैम। हेलो मैम, आई वाज रिव्यूइंग दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे आप यहाँ के जो रेसिडेंट्स उनका फीडबैक चाहिए था, सो आई वांटेड टू नो कि यहाँ पे आप क्या फेस करते हैं, कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं या सब कुछ ठीक है? डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं है डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टीज हैं बट धीरे धीरे चीजें ग्रो कर रही है यहाँ पे आसपास, प्लस सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्सेप्ट जो भी आप अभी कंस्ट्रक्शन के मामले में हमारी बात हो रही थी, कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट इन्होंने शायद फेज टू में बेटर किया है, फेज टू को बेटर किया, अभी मैंने वो भी कैप्चर किया बिकॉज़ ऑफ ये फर्स्ट वाला जो था, जो फीडबैक आया था, राइट? यस, एक वीडियो था बहुत वायरल हुआ था, हाँ हाँ, जिसमें बहुत तेज आंधी आई थी और वो उखड़ गया था, हाँ जी। उसके बाद आपने कभी ऐसा कोई इशू फेस किया? इन्होंने ठीक किया उसको, दे ट्राई टू रेक्टिफाई किया है, सारे इन्होंने जितने भी स्लाइडर्स हैं फिर से रीइंस्टॉल किए हैं जी, जो इनको रीजन पता चला कि ये इंस्टॉलेशन ही रॉन्ग हुई है, ओके, तो उन्होंने मिड ऑफ द वॉल किया है, उसको शिफ्ट किया है, प्लस उसका कोई चार्जेस नहीं लिया है किसी से भी। ऑल राइट, ये पूरा एल्डिको ने अपनी तरफ से ही करके दिया। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सीपेज के इश्यूज हैं या वॉशरूम में जैसे वाटर प्रूफिंग होता है, हाँ, और वॉशरूम में वेट एरियाज होते हैं, हाँ, नहाने के बाद पानी को ड्रेन की तरफ स्लाइड कर जाना, हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, तो वो आराम से स्लाइड कर जाता है या बाद में आपने इशू ऑब्जर्व किया कि नहीं करता? मेरे फ्लैट में ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड आई डोंट नो अदर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है जी, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कोई भी बाथरूम में कोई भी सीपेज नहीं है, पूरे घर में भी कोई सीपेज नहीं है। आपके नेबर्स को कोई इशू आता हो यहाँ पे? नेबर्स का सीपेज का तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। एंड मेंटेनेंस कैसी है इसकी? मेंटेनेंस तो बहुत अच्छी है, मैं 2016 में मैंने बुक किया था ये फ्लैट और तब से ये ग्रीनरी मेंटेन है, okay, और आज तक मेंटेन और बेटर हो गई है, बेटर हो गई है। लास्ट ईयर मैंने जब रिव्यू किया था तो ग्रीनरी, हाँ, थोड़ी कम थी, अब पेड़ वेड़ ये सब और बड़े, हाँ, हो गए, हॉर्टिकल्चर और बेटर पूरे एरिया में। आई थिंक आपको इतना ग्रीन प्रोजेक्ट कहीं नहीं दिखेगा, इतना ओपन एरिया आपको कहीं नहीं दिखेगा। आई वाज रिव्यूइंग योर फेज टू, जो फेज टू वाला साइड है, तो जब फेज टू की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो ग्रीन एरिया जो मिडिल वाला सेंटर वाला पार्ट है आपका वो और बड़ा हो जाएगा, 1.5 एकर्स का हो जाएगा जी। Are you waiting कि उसका जल्दी से construction complete हो? Yes, sir, और आप यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे construction चल रहा है, so is it creating any kind of disturbance? Sometimes. Yes. Otherwise it is fine. Because अब construction है तो थोड़ा तो problem हमें देखना पड़ेगा, but they are taking care of it कि कुछ मतलब जो residents हैं उनको ऐसा कोई problem ना हो। Okay. And what about your safety, security इस area? Everything is good. Perfect. आप ओला उबर ये सब कैब्स जब बुक, हाँ, करते हैं? थोड़ा प्रॉब्लम है उबर, एक्चुअली उबर ओला अब बहुत कन्वीनियंट हो गए जी, अभी एक डेढ़ साल पहले की बात करूँ तो प्रॉब्लम थी, बट अब बेटर, अभी चीजें बहुत बेटर है, हाँ, लोग भी तो ज्यादा मूव कर गए, लोग मूव कर चुके हैं, प्लस आपको चीजें ना कन्वीनियंट होने लगी, हर चीज आपकी अमेजोन है, मिंत्रा है, एवरीथिंग इज कमिंग, एंड अब नियर बाय कुछ जो एरियाज है वहाँ पे भी फूड कोर्ट्स खुल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। अगर मैं 1.5 ईयर्स बैक की बात करूँ वो बहुत टफ था, ओके, बट अभी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हो चुकी है, एंड डेली नीड्स की चीजें सब कुछ अवेलेबल है, इजीली इजीली। एंड यहाँ से अगर आपको गुड़गांव जाना होता है या वापस आना होता है, लेट नाइट आना होता है तो भी कंफर्टेबल? मैं तो डेली से आती हूँ, अच्छा, लेट नाइट आती हूँ, 2:30 आती हूँ, 3:00 आती हूँ, ऑलराइट, आई थिंक महीने में एक दो बार मेरा चक्कर लगता है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से ये हाईवे बना है, ऑलराइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाईवे, राइट, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम था सोसाइटी तक आने के लिए, हाईवे बनाया इसलिए गया बस, तो फिर वो तो है।
हाईवे की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुड़गांव जाते हैं ऑफिस, एयरटेल ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए इजी नहीं है यहाँ से ट्रैवल करना. ऑल राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाईवे. ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ऑल राइट, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्योंकि मुझे कुछ फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं वहाँ से आते हुए, तो मैं उनके पास जाके फीडबैक लेता हूँ कि उनका क्या फीडबैक है. बच्चे के साथ आ रहे हैं, बच्चे को देखो आप, वो दौड़ के जा रही है, उनको उसको पता है शायद कि बच्चों के लिए जो जोन है वो उस जगह पे. एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रखर है, मैं आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहा था, तो आई वॉन्टेड योर फीडबैक एज अ रेसिडेंट की कैसा प्रोजेक्ट है. यू आर नॉट रेसिडेंट, आप यहाँ पे कहीं बाहर से हैं. हाँ, बाहर से. क्या फीडबैक है आपका, अगर आप बाहर से भी आए तो? तो बहुत अच्छा लग रहा. बहुत अच्छा लग रहा है. कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? दो दिन दो दिन से. अच्छा लगा आपको? यहाँ पे रहते हैं. जी जी आंटी, बेटा बहू रहते हैं जी, इसलिए हम लोग घूमने आए. तो कैसा लगा आपको यहाँ? आप लोग कहाँ से? किस जगह से आए हैं आप? उड़ीसा से. तो ये प्रोजेक्ट कैसा, अच्छा लग रहा है? ऑल राइट, ठीक है. हेलो, वेलकम आंटी, आप यहीं पे रहते हैं? डोंट नो हिंदी. यू डोंट नो हिंदी, आई विल टॉक टू यू इन इंग्लिश. यू नो इंग्लिश? समथिंग. ऑल राइट, सो आई वांट योर फीडबैक एज अ रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी. हाउ इज द फीडबैक? इट्स गुड, बैड, वर्स? हाउ इज द फीडबैक? माय सन एंड डॉटर इन लॉ, यस, लिविंग इन दिस सोसाइटी. सो दे आर हैप्पी विद दिस सोसाइटी? हां, यस, दिस इज अ वेरी गुड कल्चर एंड very good human nature. All right. How is the construction quality? Do you see any kind of seepage or things are breaking off, walls are breaking off? Construction also very nice, I think, sir. 1 month is there, we came. You came here since 1 month? My husband. All right. Came this society. Okay. In my personal opinion, it's very good. All right. ठीक है. Thank you, ma'am. Culture also very nice. All right. Are you able to enjoy the environment and all? Totally enjoy. Great. Thank you, ma'am. थैंक यू. कुछ और रेसिडेंट्स आ रहे हैं और इनसे भी चल के फीडबैक लेते हैं. हेलो, हाय, गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रखर है, मैं ना आपके प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहा था, सो आई वांटेड योर फीडबैक कि रहने में कैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है बिल्डर का, या कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं या नहीं? कंस्ट्रक्शन इज ऑल वेरी गुड. ऑल राइट, लाइक लाइटिंग्स एटसेट्रा, क्लीननेस है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. ऑल राइट, only because I shifted in March only, March 23. All right, 6 months, almost 5 to 6 months. Almost 5 to 6 months. जी. The quality is not that much good, what we expect. All right. Quality as in what? Quality of the material. All right. Inside the houses. Okay. So that is something which is not good. But yes, outside, I have never seen the water leakage over the year. Okay. And the cleanliness which I have already talked about. All right. I have purchased my flat in Acclaim also. Okay. So I'm hoping that that quality problem will not be there. I have just reviewed the entire project. I'll suggest you to go and see that video once it is live on YouTube. Okay. You can see and understand what is the quality improvements which are there in your phase 2. In Acclaim. Yes. So that will yes. be great because I'm going to live there. Right. So you are in a rented accommodation here? Right now I'm in rented accommodation. Okay. I purchased mine in so Acclaim. How you got the confidence since you are telling that you did not find the internal quality to be up to mark? So how did you get the confidence to buy in their phase 2? First I purchased it, then I started living in rent. All right. But yes, I have taken the feedback from here and there before purchasing it. All right. And from couple of places also. Okay. From other societies as well. I was living in DLF also. Okay. So same kind of quality was there also I faced. All so right. One thing I noticed that if I'm living in society, so bits and pieces quality matter would be there always. Okay. But you are hoping that the phase 2 would have a better quality. Absolutely. Absolutely. They have really worked on your feedbacks, I think. Whatever incident has happened in the past, that has also helped them to improve the quality and all. So they have worked. That is great. Watch the video once it is live. Sure. You'll get to know. I'll share the link with you. Okay. Sure. All right. Thank you, sir. How about the facility for kids? It is good. It is absolutely good because I have seen like swings, slides, etc. Everything is there. Ji. So my kid always enjoy it. All right. Even I got to know that in when they are making the Acclaim also. Right. In between the tower also they are going to have one more kids play. It's a 1.5 acre of green open area. Yeah. And greenery I love it. All right. Whosoever comes at my place as a guest. Right. Whenever I take them in a round, I always talk about the greenery. All which right. is my favorite. And how is the maintenance and all? Maintenance is all good.
ऑल राइट, नो इशू विद दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर। मैंने आपको क्लब हाउस में बैठे हुए देखा तो मैंने सोचा आपसे आकर बात करूं। यहाँ की फैसिलिटी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? सर मैंने लास्ट ईयर अगस्त में परचेज किया था ये अपार्टमेंट। ओके, और एक साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद द क्लब फैसिलिटीज, विद द मेंटेनेंस टीम, और जिस हिसाब से क्लब आप देख सकते हो इतना क्लीन क्लब रहता है, मैंने कभी देखा नहीं। मतलब अदर सोसाइटीज में लोग मेंटेन करते हैं अपने तरीके से, बट यहाँ पे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज। ऑल राइट, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन इश्यूज भी आए हैं आपको या आते हैं? सर कोई बिल्डर परफेक्ट नहीं होता जी, नोबडी इज परफेक्ट, बट अगर आप इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक एल्डिको इज बेस्ट, बिकॉज मैं रह रहा हूँ सर घर में और एक साल से रह रहा हूँ। मुझे अभी आज के ही दिन पूरा साल कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 22 अगस्त को ही मैं शिफ्ट करा था। वेरी गुड, और मैं आज 22 अगस्त को ही यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर। और मंजीत जी हमारे मेंटेनेंस टीम के हेड हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उनको फोन कर दीजिए, आप माई गेट पर टिकट रेज कर दीजिए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इमीडिएटली वो रेक्टिफाई हो जाता है। और यहाँ पे जो कम्यूट है वो कितना इजी है यहाँ से गुड़गांव जाना या गुड़गांव से यहाँ पे आना? तो बहुत अच्छी मतलब कम्युनिकेशन के लिए आप ये देखो कि एक तो मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया है यहाँ पे, और दूसरा ये जो सोना का एलिवेटेड रोड है जी, हार्डली 15-20 मिनट आप मेन सिटी से दूर है। ऑल राइट, 15 मिनट में आप मेन सिटी में पहुंच जाते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन इज ओके, और अब तो हरियाणा रोडवेज बसें भी हमारी एल्डिको के गेट से जाती हैं, तो हर 15-20 मिनट पे आपको एक बस मिल जाती है जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। आपको लगभग एक साल हो गया है और आपने यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी होंगी, बुरी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा कोई फीडबैक जो आप एल्डिको को देना चाहते हो या उनके साथ शेयर करना चाहते हो जिसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो क्या होगा? देखो सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मैं सजेशन दूंगा, मैं दे दूंगा सजेशन, और है कुछ ऐसा भी जो मैं चाहता हूँ देना, लेकिन वो हो सकता है मेरे एंगल से ठीक है जी, बट कॉमनली वो ना ठीक हो। अब जैसे कुछ रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, रॉन्ग पार्किंग में चले जाते हैं, गलत तरीके से गाड़ी को पार्क कर देते हैं जी। अब उसके लिए हम मेंटेनेंस टीम को बोलते हैं कि सर आपने जो है गाड़ी गलत पार्क करवा दी है यहाँ पे, आप इसको ठीक कराएं जी। अब इनकी भी एक लिमिटेशन है, ये उसका चालान तो नहीं कर सकते। करेक्ट, तो मेरा तो यह है कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रांग रूल एल्डिको मेंटेनेंस बनाए कि हाँ ये जो मिस बिहेवियर और ये इस टाइप की चीजें होती हैं, पार्किंग ठीक नहीं कर रहा है, कोई डॉग को कहीं गलत तरीके से पूक रहा है, तो उनके ऊपर एक चार्जेस लगाए, बट ये नहीं लगाते हैं। ये लगाना चाहिए जिससे कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ सर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो सारे रेसिडेंट अगर एग्री करते हैं तो आई डोंट थिंक कि बिल्डर को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर मैं तो कहूंगा कि बिल्डर को, अगर जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हमें किसी चीज का फियर नहीं होता, डर नहीं होता जी, तब तक हम उस चीज को ठीक नहीं करते जी। जी, तो मेरा ये सजेशन है, बाकी बेस्ट ऑन एल्डिको टीम। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू। सो इस वक्त मैं इनके क्लब हाउस के अंदर हूँ, और ये क्लब हाउस का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था अपने फर्स्ट रिव्यू में, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो काफ़ी और लंबा हो जाएगा। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, क्योंकि मैं ऊपर वाले लेवल में हूँ, और यहाँ अगर आप देखें तो ये स्क्वैश खेल रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से भी एक शॉट दिखा देता हूँ, कोई मिलेंगे तो उनका भी फीडबैक ले लूँगा। यहाँ ऊपर से ये झूमर देखिए कितना खूबसूरत है। ये डांस क्लासेस है क्या मैम? ये योगा रूम है। यस। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। मुझे मैम, आप सब यहीं पे रहते हैं, रेसिडेंट हैं यहाँ के, आपका फीडबैक चाहिए कि कैसा फीडबैक है इस प्रोजेक्ट का? थोड़े जोर से बोलना होगा मैम यहाँ पे आवाज। अच्छा है, बच्चों के लिए फैसिलिटीज कैसी है? ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने देखा, मैंने सबसे जाके फीडबैक लिया। सर हाय, सॉरी आप जिम कर रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा था, कोई नहीं। मुझे सर यहाँ का फीडबैक चाहिए आपका, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को 5 to 5 months हो गए। 5 months हो गए। 5 months में आपका फीडबैक क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में? अच्छा फीडबैक है, यहाँ का जिम है, क्लब में जिम है जी, स्विमिंग पूल है जी, और यहाँ पे कई खेलने की चीज है जैसे स्क्वॉश, टेबल टेनिस। सबसे ज्यादा कौन सी फैसिलिटी आप यूज करते हैं? जिम।
जिम यूज़ करते हैं. ऑल राइट, इस सोसाइटी में ऐसा क्या है जिसको और इम्प्रूव करना चाहिए? यहाँ का जिम का टाइमिंग. जिम का टाइमिंग, हाँ, 6:30 बजे खुलता है, उसको थोड़ा 5, 6, 5:30 ऐसे. अच्छा, थोड़ा और पहले कर देना, मतलब ड्यूरेशन इंक्रीज कर देना चाहिए. ऑल राइट, आपने ये फीडबैक शेयर किया है यहाँ की टीम के साथ? नहीं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, आई थिंक वो डेफिनेटली ये करेंगे आपके फीडबैक में वर्क. ठीक है, थैंक यू सो मच. हेलो मैम. मैम, आप कब से इस सोसाइटी में रह रहे हैं? 1 साल हो गया. थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा कि रिकॉर्ड भी हो जाए. 1 साल हो गया. 1 साल हो गया. हाँ जी. 1 साल में क्या फीडबैक है सोसाइटी के लिए? बहुत बहुत अच्छा है सारा सब कुछ, एकदम एंट्री से लेके और लास्ट तक. जैसे यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे. ओके. और चिल्ड्रन के लिए भी काफ़ी खुले ग्राउंड हैं, चिल्ड्रन पार्क है और अच्छे बड़े रोड तो आप सब देख ही रहे हो जी. तो उसमें हमें यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती, खुली हवा है और पानी की और अपने लाइटिंग की 24/7 पूरा यहाँ पे एकदम प्रॉपर सब कुछ रहता है. जब यहाँ पे बारिश होती है, दिल्ली NCR में काफी बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो क्या बारिश का पानी बेसमेंट में जाके, ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ियाँ डूब जाती हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, पानी जाता ही नहीं है. पानी नहीं जाता है. जाता ही नहीं, और कहीं से थोड़ा बहुत भी जाता है तो वो उसी टाइम ही, मतलब थोड़ा जैसे हल्का, वो तो छींटे तो पड़ेंगे, छींटे तो पड़ेंगे. वैसे वैसे कोई अभी हमने देखा नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन रहती है. ओके, मेंटेनेंस कैसा है यहाँ का? मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, जरा भी ऐसा नहीं कि यहाँ गंदगी है या वहाँ है, पूरा एक एक पत्ते को निकाल के सफाई करते हैं यहाँ पे. अच्छा. वेरी गुड. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पेड़ हैं, तो यहाँ पे भी वो झाड़ू लगा के एकदम एक एक पत्ता निकालते हैं. हाँ, मैंने देखा था कुछ देर पहले जब वो साफ सफाई कर रहे थे. हाँ जी. मैम, आप यहाँ पे जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, जैसे उसमें अभी यहाँ पे फूल है, मतलब बागवानी भी है बहुत अच्छी है. तो मतलब जितना स्टाफ है ना और जो वर्कर हैं जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं. और हमारे जो जब हमने लिया था तो यहाँ पे सेल अपने भैया जो हैं ये, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्यार से दिखाया, समझाया, एक एक चीज बताई, तो उसी हिसाब से फिर हमने यहाँ पे लिया और आज हम बहुत खुश हैं. बल्कि जो हमारे रिलेटिव आते हैं ना, वो तो मेरे को बोलते हैं तू कहाँ जन्नत में रह रही है. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी. अब यहाँ पे जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है या क्लब हाउस है, ये इससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए पूरा योगा का भी है, डांस का भी है, और यहाँ स्विमिंग पूल भी है 2 फीट के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है. तो जैसे एक सपना होता है ना, वो यहाँ पे पूरा हो गया. हाँ जी, हर चीज़ यहाँ पे, बैडमिंटन है, कराटे की भी क्लास यहाँ पे शुरू हुए हैं, तो हम बच्चे यहाँ पे कराटे भी करते हैं, फुटबॉल है, कि मतलब कोई भी गेम ऐसा नहीं जो कि यहाँ नहीं है. जब बहुत तेज बारिश होती है यहाँ पे, तो क्या ऐसा होता है कि खिड़कियों से पानी बिल्कुल अंदर आ जाए, खिड़की बंद करने के बाद भी दरवाजा बंद करने के बाद, ऐसा नहीं कि, या कोई सीपेज हो? नहीं, कहीं भी हमारे इसमें सीपेज नहीं, कहीं भी नहीं है सीपेज. ऑलराइट. 1 साल से है, बट खूब अच्छा धोते भी हैं, सफाई भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, दीवार पे पानी डाल के भी धोते हैं, तो कोई सीपेज अभी नहीं है. अच्छा, ठीक है मैम. 1 साल में कहीं भी नहीं है. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. मैम, आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? ये हमारे अभी आए हैं 2 महीने से. ऑलराइट. हाँ जी, ये हमारी बहू है. ओके. आपका क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट आपको? सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जी. एमिनिटीज बहुत सारा है फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स. सो यहाँ पर जो भी मूव इन होगा, जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी लेगा, आई बिलीव कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी उनकी, क्योंकि यहाँ पर फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स, जैसे कि जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, 9 to 6, 9 to 5 की जो जॉब में लगते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है. right. पर यहाँ पर ये होता है कि अगर 9 to 6 जॉब भी आप कर रहे हो, तो शाम को आपके पास कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए होती है. यू कैन गो फॉर स्विमिंग, यू कैन गो फॉर अ जॉग, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, और यू डोंट हैव टू गो फार, यू कैन डू साइकिलिंग आउट हियर. सो लाइफस्टाइल, इट्स, यू कैन अपग्रेड योर लाइफस्टाइल गेट्स इम्प्रूव आउट हियर. सराउंडिंग इज़ वेरी क्लीन, मेंटेनेंस इज़ वेरी ग्रेट, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इन एवरी एरिया. So yeah, it has been a lovely experience. So do you think that after the completion of phase 2, mm-hmm. the amenities would further improve because the green area and the facilities would be doubled? I believe so, because if this is phase 1 and if they have done such a great job in phase 1, I believe that in the upcoming phase 2, they will do much more. All right. Thank you for your feedback. You're welcome. Thank you. Sir, hi, how are you? Very well. Finally, we are able to meet. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं एलडीको के मैंने, और ये देर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट इन द हिल्स जो कि विलाज है. सो विल टॉक, विल लाइक टू नो अबाउट दैट. एंड आई नो यू पर्सनली, बट द व्यूअर्स माइट नॉट नो यू. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, देन वी वुड लाइक टू नो अबाउट द विलाज विच यू आर लॉन्चिंग.
थैंक यू सो मच. माय नेम इज अमर कपूर जी एंड आई एम द सीईओ ऑफ टेरा ग्रैंडे व्हिच इज द न्यू वर्टिकल व्हिच एल्डिको हैज लॉन्च्ड. ऑलराइट. एंड सो बेसिकली द वर्टिकल इज गोइंग टू फोकस ऑन सेकंड होम्स अक्रॉस इंडिया. ऑलराइट. एंड द फर्स्ट टू प्रोजेक्ट्स व्हिच वी आर वन ऑफ देम व्हिच ऑफ व्हिच वी हैव लॉन्च्ड नाउ इज लोकेटेड इन सिरमौर which is in Himachal Pradesh. Okay. And the second project which is in the pipeline which is going to be located in Narendranagar which is just above Rishikesh. All in right. Uttarakhand. And we are looking at other destinations across India, Goa, Alibag and all henceforward. So in India, what all various locations you are already present and are there any projects of yours which are not delivered or which are under litigation or which has got delayed? So Eldico, as you probably know, is a 35-year-old business and we have delivered over 200 projects. Okay. And so when it comes to, you know, any project getting delayed or this thing, you know, we are amongst one of the few credible developers in North India and we have presence across 16 cities, you know, and we have mostly delivered all our projects on time except barring COVID वगैरह में छोटे छोटे delays होते हैं. All right. But we are a company which is known synonymous to actual delivery and the quality as well which we deliver. We have about 35,000 homes which we have delivered to our customers. 35,000 homes? Yes. Till now? We have delivered 35,000 homes till now. Okay. And 200 projects have been delivered and you know, so, and also we are backed by the leading banks of India from HDFC, Aditya Birla and other banks henceforward. You know, so it's a very corporate run structure in our company and so ye jo vertical humne start kiya hai, basically it's going to be focusing on vacation homes or second homes as we call it. All right. They are very luxurious products. The first project which we have got our RERA approval for is located in Sirmaur in Himachal Pradesh. It's about 35-40 minutes drive from Dharampur. Okay. And it's a very beautiful land, 29 acres facing a south sun. And you know, so in the hills, as you know, that facing south is very important. Right. You know, the sun. Because of the natural sunlight. Natural sunlight comes inside the house and all of that. So in our entire 30 acres of land which we have. Right. We have developed only 80 villas. So that means basically in 1 acre, we are less than 3 villas. Okay. So it's a very low density project and very exclusive project and each of our home gets enough land. You know, so that, you know, you actually enjoy being over there. The feeling of owning a big home in the hills is something which probably all of us have dreamt of, you know, having a great view. All of the houses have been planned in a way that you have an unobstructed view of the valley. Right. It's a, and on top of it, then when we have, you know, private pools, which we have given to each villa. And the spaces have been designed in a way that, you know, there's enough, you know, open spaces which you have within the house and outside of the house as well. There's a kitchen garden which is there. Then there's some gazebo setting which is there. You know, so you can enjoy in the winters. One can have a bonfire outside. And ghar ke andar bhi bahut acche se plan kiya hai. Big windows diye hai, big doors, and there's a solarium which is there, which is open to the sky. Okay. So ghar ke andar andar baithe baithe bhi customer ko lag raha hai ki main bahar hu. So, you know, right. It's like, you know, you actually, you know, feel the nature when you are in our project. And the project has also been designed not like, you know, just systematically kehte na ki ek villa aise aise karke nahi hai. Ji. It's been designed in a way that, you know, that villas are just popping out of the different areas of the landscape. Okay. So it's done in a very, you know, not in a very mathematical way or something. It's designed in a way that, you know, you feel the nature and the surroundings. And so it's for basically the customer who wants to sort of, you know, go to the hills to unwind. Our brains are overworked in our city, living in the city, in the pollution, the summer and winters and all of that. We are just overworked. Stressful life we guys are leading. Right. So, you know, to actually go over there and just, you know, rewind back a little bit, you know, going back to, you know, where we actually come from. We have all come from Mother Earth, you know. So, थोड़ा सा unwind करो अपने आप को and you know to enjoy it, your you know time with your family, your friends and you know basically you know living back to what we've actually belong, you know. Sir, who are actually buying these villas? Are they retired people who are buying these villas or somebody, some youngsters or a CEO of a company? Who actually are buying these villas?
See, we and are they buying this for end use or are they buying this for investment? So I'm glad you asked this question. You know, so we've been getting queries from all spheres. We've been getting leads from queries from people who want to live over there, like, you know, officials who have retired, ex-military people, ex-Air Force people, people who have actually ex-CAs, doctors, who basically want to spend, you know, quality time in nature. And also we've been receiving a lot of queries from younger generation, you know, people about 40 to 50 years old who are looking to spend, you know, weekends and long weekends with their loved ones, with their kids. And so the house has been designed in a way that, you know, it suits all purposes. I just got to know that a 35-year young person has booked a villa there. Yes. So he is the owner of a startup company and, you know, as a unicorn company. And so he actually bought a house to enjoy with his, you know, parents and his grandparents. Great. So he really admired our project and the way it has been designed. And it's a product which can be actually passed on to generations, you know. So one very important question I would like to ask, since this location is located in Himachal, and what I am aware of that in Himachal, normal people from other states cannot go and buy land there. So how the owner of this villa would also become the owner of the land? So good question. Himachal Pradesh is one of the states in our country which does not allow outside Himachal people to buy land. But however, in Himachal, there is a Himachal Tenancy Act, okay, which is a Section 118. All right. If one is able to obtain it, which we have got, got that particular approval. So once you get that approval, non-domicile Himachali people can buy up to 500 meters of land. Okay. So whenever we sell our villas, whosoever we sell our villa, supposing you are our buyer and you are a Delhi local, right, we will be doing another 118 into your name and you will become the owner of 500 meters of land. Okay. So the restriction in Himachal is that non-domicile person can buy land above 500 square meter. Okay. So that is the legitimate ownership which we will be transferring. And this is legally... yes, absolutely. It is 100% valid document. 100% legal, yes. Okay. And so after, let's say you get this registration done on my name. So after that, there will be no legal thing hanging on my head that ab kya hoga, kal ko ghar nahi mila ya land nahi mili to aisa kuch to nahi. Just to allay your fears, we have a loan sanction done from HDFC Bank and some of the other leading PSU banks. So the question doesn't arise of, you know, there's any lacuna which comes in tomorrow. After you doing your diligence, the bank also does a thorough due diligence when they sanction a loan onto the project, you know. So be rest assured that, you know, there's no illegitimate thing which may arise in the future. Okay, you know? And this land is completely litigation free, and there is no hindrance from the forest department also, since this is a sensitive green area nearby and it's a wildlife kind of a thing. So nearby, we have taken a forest NOC, which is a mandatory requirement for any project in Himachal Pradesh, and we have also obtained our forest NOC. So you have got all the approvals, this is RERA registered project. Yes, yes, we have registered our project in RERA and we got our RERA number in May of this 23. All right. Yeah. So I would like to know the complete details about this project. So from your team, who would assist me? I will suggest that you speak to Bharat from our team. All right. He is aware about the design aspect of our project and he'll be happy to walk you through to the design of the project. So looking forward for the project. Thank you so thank much. You so thank much, you. Thank you for your time. Thank you. Ashish ji, humne almost sara project cover kar liya. कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कस्टमर्स को चाहिए होंगी, जैसे लेआउट प्लान या ब्राउशर, उसके लिए वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर आपका नंबर वगैरह दिया ही गया है, आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको डाल सकते हैं जी. आप वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें, हम व्हाट्सएप के थ्रू, मेलर के थ्रू, जैसा वो कहें हार्ड कॉपी उनको प्रोवाइड करें चाहेंगे. ऑलराइट. हम चाहेंगे कि रेजिडेंट यहाँ पे खुद आएँ, एक बार देखें. देखिए, आज अपने गुड़गांव पूरा कवर करते हैं, इस प्रोजेक्ट रेंज के अंदर, इस सोसाइटी में, इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ, इतनी फैसिलिटी के साथ और कहीं आपको चीज़ नहीं मिलेगी जी. हमारे यहाँ पे 2 BHK अवेलेबल है, 91 लाख प्लस GST ऑनवर्ड्स. आज आप गुड़गांव में कहीं भी जाएंगे तो 2 BHK 1.50 से स्टार्ट होता है. राइट. तो किसी को भी एक अफोर्डेबल, अच्छी रेंज में मिड सेगमेंट प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट बिल्कुल हर तरीके से यूजेबल है. जिसमें बताया कि अगर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट पर्पज लेना चाहेंगे, पोजेशन तक इसका प्राइस भी अच्छा अप्रिशिएट होगा और आपको रेंटल फैसिलिटीज भी मिलेंगी जी. 2 BHK ऑलरेडी 22,000 रुपये मिल रहा है यहाँ पे आपको. Right. देखिए, एलडीको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं है, एक लेगेसी है जो हमने 35 से 40 सालों में बनाई है. इसको हम 2 मिनट में किसी छोटे मोटे इशू से खराब नहीं करना चाहेंगे जी. इसमें कस्टमर से ज्यादा हमारा खुद का नाम खराब होता है. राइट.
आज तक हमने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा स्क्रैप नहीं हुआ है, डिले नहीं हुआ है, टाइमली डिलीवर किया है। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड नेम है जिनकी वैल्यू हमसे 6 गुना है 7 गुना है, लेकिन आज तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए, हमने टाइमली डिलीवर किया। मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, यस हर जगह जैसे फैमिली में होता है इस प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कमियाँ रही होंगी, लेकिन हमने उस कमियों को रेक्टिफाई करने का देखा है, कोशिश करी है, हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड है, चाहे वो फैसिलिटी हो चाहे टेक्निकल हो, हर जगह आपके सामने रहते हैं और हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी लेना चाहे मोर देन वेलकम, प्लीज़ आएँ एक बार, खुद अपनी आंखों से देखें प्रोडक्ट को और फिर जज करें। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन में भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके अपनी साइट विजिट को प्लान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, क्योंकि सारे रेसिडेंट से तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, जितने रेसिडेंट मुझे दिखेंगे उनसे मैंने फीडबैक ले लिया है, बट अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू, जय हिंद।